हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो अपना आज थर्ड मेजर टेस्ट है डीसीएम का। इसमें फुल सिलेबस आपके जो टेस्ट चल रहे हैं उसमें मैथ्स का आज अपन फुल सिलेबस का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखते हैं, माई सेल्फ देवेंद्र अग्रवाल, टीम मैथ्स। सो पहला क्वेश्चन है, द स्क्वायर ऑफ एफ सी सा ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व दिस। एक कर्व है, उस पर एक पॉइंट है, उस पर जो टेंजेंट ड्रॉ की है तो कह रहा है उसका जो स्लोप है वो किसके इक्वल है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड है उसके स्लोप के इक्वल है। तो देखो, हिंदी में क्वेश्चन दिया हुआ है, समझ आ गया आपको। तो अपन ने क्या किया, एक कोई पॉइंट मान लिया पी इस कर्व के ऊपर। तो एक्स कोऑर्डिनेट यदि मैं अल्फा मान लूं तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, अल्फा क्यूब हो जाएगा इस वक्र में रखने पर। अब इसके बाद आपसे पूछा क्या जा रहा है, अल्फा का स्क्वायर पूछा जा रहा है आपसे। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इस पी पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी रही होगी, है ना, रेखा स्पर्श रेखा की ढाल कितनी रही होगी। वाई डैश निकाल लूं मैं कहां पर, पी पर। तो बताओ कितना आ जाएगा इसका वाई डैश, कितना आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर। और थ्री एक्स स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा, थ्री अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। और ये किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड, इस जीवा की जो ढाल है उसके इक्वल है। तो क्या हो जाएगा बोलो, 125 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। तो ये कितना आ रहा है, 124 अपॉन 4। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, 31 आ रहा है। तो ये अल्फा स्क्वायर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 31 बटा 3 आ रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल, पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पहला क्वेश्चन सिंपल सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो 31/3 कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए बस, है ना, क्वेश्चन आपसे सारे हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, 16 कॉस टू द पावर 6 10 डिग्री माइनस 24 कॉस टू द पावर 4 डिग्री कॉस टू द पावर 4 10 डिग्री प्लस 9 कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। सॉल्व करना है क्या आएगा वैल्यू। तो देखो आप क्या करो, 16 कॉस टू द पावर 6 है, इसको लिख दिया मैंने कॉस क्यूब करके, ठीक है ना, और इसका कर दिया मैंने होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, 16 कॉस टू द पावर 6 आ जाएगा माइनस, चलो पहले इसको ले लेते हैं 9, इसको मैंने क्या लिख दिया, 3 कॉस 10 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो माइनस में क्या है, 2 2 इंटू फैक्टराइजेशन कर दिया 24 का, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 3 या 12 एंड 12 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 24। तो ये आ गया आपका 4 इंटू 4 कॉस क्यूब 10 डिग्री इंटू 3 कॉस 10 डिग्री, आ रहा है नहीं आ रहा, लौट के देखो 24 कॉस की पावर 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब ये ध्यान से देखो तो क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन गया 4 कॉस क्यूब 10 डिग्री माइनस 3 कॉस 10 डिग्री का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया है, ठीक है। अब ये क्या बन रहा है, आपको दिख रहा है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, क्या होता है कॉस 3 थीटा, तो कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया ये, तो कॉस 3 10 डिग्री का फॉर्मूला बन गया, इसका होल स्क्वायर हो रहा है। तो कितना हो गया, कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बोलो, 3/4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द मेन मंथली सैलरी पेड टू ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ अ सर्टेन कंपनी इज ₹600। द मेन मंथली सैलरी पेड टू मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज आर दिस एंड दिस। अपने को मेन मंथली सैलरी दे रखी है किसी कंपनी में, कुछ लोग काम करते हैं, कुछ मेल कुछ फीमेल, ठीक है ना। तो आपसे कह रहा है कि जो मेन सैलरी जाती है मतलब उनकी सैलरी का सबका सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से डिवाइड कर दिया। तो जो मेन सैलरी जा रही है ना, वो तो कितनी है महीने की, 600। और जो इंडिविजुअली बात कर रहा है वो कि टोटल जो आदमियों की जाती है मेन मंथली सैलरी, वो जाती है पहले मेल है ना, यस मेल की जाती है 620 और फीमेल की जाती है 520, ठीक है ना। हिंदी में भी लिखा हुआ है, आराम से आपने पढ़ लिया होगा। अब रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, मेल के लिए 620 और फीमेल के लिए 520। कह रहा थी परसेंटेज फीमेल स्टाफ इन द कंपनी, तो फीमेल की बात कर लेते हैं बस अपन, है ना, परसेंटेज निकलाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ये कह रहा है कि मेन मंथली सैलरी किसकी, सभी एम्प्लॉयज की, मेल की और फीमेल की, है ना। ये तीन चीज दे रखी है अपने को, परसेंटेज ऑफ फीमेल स्टाफ निकालना है कंपनी में कितना है। तो देखो एक काम किया मैंने, मैंने क्या मान लिया, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है मेल को और वाई रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल को। तो टोटल नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट या मेल एम्प्लॉय मान लिया मैंने एम, एन मान लेते चलो, तो इनकी मेन सैलरी कितनी हो जाएगी, x1 + x2 + x3 कहाँ तक, कितने माने मैंने, एन माने, तो एक्स एन डिवाइड बाई एन। तो ये क्या आ गई इनकी मीन मंथली सैलरी आ गई, मीन आ गया क्या एक्स बार, तो ये कितना देखा है अपने को 620, ये तो देखा है अपने को 620। अब चलते हैं आगे फीमेल पर, तो फीमेल की मीन सैलरी कितनी जाएगी बताओ, y1 + y2। अब फीमेल मान लेते हैं अपन एम, फीमेल मान लेते हैं अपन एम, तो वाई एम डिवाइड बाई एम, तो इनकी मीन मंथली सैलरी क्या हो जाएगी, वाई बार, और ये दे रखी है अपने को 500 या 520, 520 है ना, 520 दे रखी है, ये 620 ये 520। अब आपसे क्या कह रहा है बताओ, अब आपको ये तो दोनों गिवेन है, अब आपसे कह रहा है कि जो टोटल मीन सैलरी जाती है मंथली वो कितनी जाती है, 600 जाती है। तो देखो एक्स से प्रिंट कर रहा है मैंने बता दिया आपको, ये मेल को
और ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, इसमें कन्फ्यूज मत होना। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ना। चलो कोई नहीं, स्पेस इसको हटा दूं मैं, आ जाओ देखो यहीं कर लेते हैं ना, ठीक है आ जाओ। तो बताओ क्या करें, सबकी मीन मंथली सैलरी कितनी हो जाएगी बताओ, एक्स वन प्लस एक्स टू कहाँ तक, एक्स एन तक, और फिर फीमेल स्टाफ आएगा वाई वन वाई टू, और कहाँ तक जाएगा ये वाई एन तक, और इन सबका जो सम आएगा डिवाइड बाय एम प्लस एन, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एम प्लस एन, ये इसकी मीन मंथली सैलरी कितनी है 600 है ना, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो भी हैं उनका जो मीन मंथली सैलरी है वो कितनी है 600। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया अपने अपने को, इनका सम मिल गया। अब इनका सम कितना आ जाएगा बताओ जरा मेरे को, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस अप टू एक्स एन, और वाई वन प्लस वाई टू अप टू वाई एम, इन सबका सम कितना हो जाएगा, एन को यहाँ ले जाओ तो 620 एन, और एम को वहां ले जाओगे तो 520 एम, तो इन सबका सम कितना आ जाएगा एक्स वन से लेके वाई एम तक का, इन सबका सम आ जाएगा ऊपर 620 एम और 520 एम, 620 एन आएगा है ना, सॉरी 620 एन और 520 एम अपॉन में कितना आ गया बोलो एम प्लस एन, और इक्वल टू कितना आ गया 600। अब आप एक काम करो यहाँ से सॉल्व कर लो, एम और एन में एक रिलेशन मिल गया आपको, चलो कर लें अपन देखते ही, ये 600 एम आएगा और यहाँ पे 520 एम है तो वहाँ बचेगा 80 एम, और एन आएगा 600, इसको यहाँ ले आना तो 20 एन बचेगा, तो फाइनली ये सॉल्व करके बचने वाला है, इसको मिटा दूँ मैं, है ना, इसको रब कर दिया, इधर आ जाओ, ये बचा आपके पास 20 एन और इक्वल टू बच गया 80 एम, ठीक है। तो एम की वैल्यू कितनी आ रही, एन की वैल्यू कितनी आ रही बताओ, 4 एम आ गई। अब बताओ क्या निकालना था अपने को, परसेंटेज ऑफ फीमेल स्टाफ, परसेंटेज ऑफ परसेंटेज निकालना है फीमेल स्टाफ का, तो क्या हो जाएगा बताओ, फीमेल क्या मानी थी अपने, वाई वाला माना था, और वाई में कितनी फीमेल थी एम, तो एम अपॉन में टोटल एम प्लस एन इंटू 100, तो कितना आ जाएगा बोलो, एम कितना है अपना, एम तो एम है और एन की जगह लिख दो 4 एम, तो कितना हो जाएगा नीचे 5 एम हो जाएगा इंटू में 100, तो कितना परसेंट आ गया ये आ गया मेरे ख्याल से एम तो कैंसिल आउट हो गया 5 20 20% आ गया, तो 20% क्या है इसमें फीमेल स्टाफ है, इसका मतलब क्या आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कैलकुलेट करना था आपको, कर लिया, चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड हो गया फोर्थ, लेट एफ एक्स इक्वल टू दिस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए, इफ द इक्वेशन एफ एक्स बराबर जीरो हैज एग्जैक्टली वन रूट इन बिटवीन वन एंड टू, देन नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए। अभी आपसे कह रहा है कि एक जो द्विघात दे रखा है आपको, वो एक से दो अंतराल में क्या करता है, ठीक एक मूल लगता है, यानी कि एग्जैक्टली वन रूट रखता है इन बिटवीन देम, है ना, वन एंड टू, वन से टू के बीच में, वन से टू तक में एक मूल रखता है, यानी कि वन और टू पर भी वो हो सकता है क्या रूट। अब कह रहा है देन ए के जो संभव पूर्णांकों पूर्णांकीय मानों की संख्या क्या होगी, तो निकाल लो इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए। सबसे पहले क्या करें बताओ, यदि वन से टू के बीच में या वन से टू तक, वन से लेकर टू तक एक रूट रखता है, तो यानी ग्राफ या तो नीचे से ऊपर गया या ऊपर से नीचे आया है। अब हो सकता है वो वन से पास कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि वन और टू दोनों क्या हो रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ वन पर जो वैल्यू आएगी वो इंटू एफ टू पर जो वैल्यू आएगी वो, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा, जीरो भी आ सकता है, यदि एफ वन या एफ टू इनमें से कोई भी एक जीरो रहा हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ वन इंटू एफ टू दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, नेगेटिव या लेस देन इक्वल टू जीरो। तो क्या कहना चाह रहा है बताओ, एफ वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, एफ वन की वैल्यू आ जाएगी वन रख दो एक्स की जगह, तो क्या आ जाएगा वन प्लस ए प्लस ए, कितना हो गया टू ए प्लस वन, तो ये तो आ गया टू ए प्लस वन इन टू में क्या आ जाएगा बोलो एफ टू, एफ टू कितना हो जाएगा टू टू या फोर प्लस टू ए प्लस ए यानी थ्री ए, तो फोर प्लस थ्री ए लेस देन इक्वल टू जीरो आ गया, तो कितना आ जाएगा ये ए की वैल्यू आ जाएगी। अब तुम्हें याद है वो दिन जब आपने इनइक्वालिटीज पढ़ी होगी, है ना, इनइक्वालिटीज पढ़ते हैं तो उसमें अपने क्या याद किया है कि जब भी दो लीनियर फैक्टर्स होंगे अपने पास, सिर्फ दो लीनियर फैक्टर्स होंगे और लेस देन का साइन होगा, तो अपना आंसर क्या आता है, छोटे क्रिटिकल पॉइंट से बड़ा क्रिटिकल पॉइंट, है ना, तो छोटू से बड़ू, तो छोटा क्रिटिकल पॉइंट कौन आएगा इसमें, माइनस थ्री अपॉन फोर, सॉरी माइनस, ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा माइनस का 4/3 और बड़ा क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा माइनस हाफ, ये आ गया अपना ए का रेंज। अब इसमें इंटीग्रल पॉइंट्स निकाल लो, माइनस वन आ रहा है शायद, ना चलो माइनस वन यानी कि एक आएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए वन आएगा, ओनली वन, ठीक है चलें आगे। चलो हमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच द फंक्शन दिस वन इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो देखो ये तो अपने पता ही है मॉड्यूलस फंक्शन कैसा होता है अपना, नॉन डिफरेंशिएबल होता है कहाँ पर, क्रिटिकल पॉइंट पर, तो अपने को ये तो क्लियर है कि वन पर और टू पर और अपना ये थ्री पर, है ना, क्या होगा नॉन डिफरेंशिएबल होगा, है ना, तो एक्स इक्वल टू वन टू थ्री पर तो नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन सुनो ध्यान से,
फोर के बारे में क्या ख्याल है ना, फोर पर। तो फोर पर क्या होगा, जब एक्स इक्वल टू फोर के लिए बात अपन करेंगे तो एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फोर क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। जब मैं एल एच डी की बात करूंगा तो ये माइनस बात कर रहा होगा, और जब राइट साइड की बात करूंगा प्लस में, है ना। लेकिन क्या ये होल स्क्वायर है, और होल स्क्वायर है तो क्या होगा वहां पर क्रिटिकल पॉइंट, जो एक्स इक्वल टू फोर पर क्या होगा अपना फंक्शन डिफरेंशियबल होगा। इसीलिए क्या है कि फोर पर क्या होगा फंक्शन डिफरेंशियबल होगा, लेकिन वन टू थ्री पर क्या होगा नॉन डिफरेंशियबल। इसका मतलब क्या हो गया, क्या पूछ रहा है ये, सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री, यानी कितना हो जाएगा सिक्स। तो ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, लेट ओमेगा इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन टू प्लस आयोटा रूट थ्री बाई टू। मतलब ओमेगा अपने वही क्यू रूट ऑफ यूनिटी दे रखा है, तो कह रहा है देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट दिस, इस वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकालनी है। तो एक काम करो आप, पहले तो आपको पता है कि ओमेगा ये दे रखा है, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस बाय हाफ, या क्या आ जाएगा माइनस आयोटा रूट थ्री बाई टू आ जाएगा, ठीक है ना। और आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन, ठीक है ना, ये आपको पता है। और ये भी पता है कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा जीरो आएगा, पता है ना ये चीज़ आपको। और नहीं पता है तो आप क्या करो, इसका स्क्वायर कर लो तो ओमेगा स्क्वायर ये दिखेगा आपको, और फिर ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा वन आ जाएगा, ठीक है ना, दोनों का मल्टीप्लाई किया जाएगा वन आ जाएगा। अब चलते हैं आगे। अब बताओ, अब आपसे क्या कह रहा है, इसका वैल्यू निकालना है। तो एक काम करो, पहले इस डिटरमिनेंट को लिख लो आप, ये वन वन वन, ये वन, ये वन। अब देखो माइनस साइन इसमें से मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, और वन प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा, यहाँ से है ना, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे इसको इधर ले आओगे तो माइनस का ओमेगा, तो यहाँ मैं लिख दिया माइनस का ओमेगा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ गया ओमेगा। अब नीचे कितना है, थ्री ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर क्या है ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा की पावर कितना है फोर, तो ओमेगा की पावर फोर को लिखोगे आप ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी है वन, तो क्या बचेगा ओमेगा। अब इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, दो तरीके हैं, या तो आप इन तीनों को ऐड कर लो तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो ना, एक तरीका तो ये है, या फिर आप सीधे सीधे सिंपल इसको एक्सपेंड कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सपेंड कर देते हैं अपन आर वन के लिए ना, आर वन के लिए एक्सपेंडिंग अलोंग आर वन, है ना, एक्स वन के आर वन के अलोंग प्रसार करने पर क्या मिल जाएगा, वन इंटू क्या हो जाएगा देखो ओमेगा स्क्वायर माइनस का थ्री ओमेगा की पावर फोर आ जाएगा माइनस वन, इस वाले वन के लिए क्या हो जाएगा वन इंटू ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और लास्ट में वन के लिए क्या आ जाएगा थ्री ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, है ना। प्रॉपर्टी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसे कर लो, है ना, नॉर्मल है, छोटी सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो बताओ कितना आ जाएगा ये ओमेगा स्क्वायर माइनस थ्री ओमेगा की पावर फोर, जहां भी आपको ओमेगा की पावर फोर दिखेगी क्या लिख दोगे आप उसको ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब कितना है वन, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का ओमेगा, और प्लस का हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, फिर हो जाएगा थ्री ओमेगा स्क्वायर, और माइनस का हो जाएगा ओमेगा, ठीक है। अब बताओ कितना आंसर आ गया, थ्री ओमेगा स्क्वायर फोर ओमेगा स्क्वायर फाइव ओमेगा स्क्वायर, तो ये तो आ गया फाइव ओमेगा स्क्वायर, और कितना आ गया माइनस का फाइव ओमेगा आ रहा है, तो फाइव ओमेगा कॉमन ले लो, क्या बच गया ओमेगा माइनस वन, तो फाइव ओमेगा इंटू ओमेगा माइनस वन, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है इसका मतलब, है ना, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। चलें आगे, चलो क्वेश्चन नंबर सेवन। इफ ए बराबर साइन की पावर एट थीटा प्लस कॉस की पावर एट थीटा, देन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा की सभी वैल्यूज के लिए क्या होगा बताओ। सबसे पहली बात, अपन थीटा की रियल कोई वैल्यू हो सकती है, तो एक ही रेंज निकालनी है। तो आप देखो एक काम करो, इसमें थोड़ा सा अलग है ना, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा की रेंज क्या होती है, जीरो से वन होती है ना। साइन थीटा की रेंज क्या होती है, माइनस वन से वन, स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा जीरो से वन। ऐसे ही मैं आपसे पूछूँ कॉस स्क्वायर थीटा की रेंज क्या होती है, तो आपको सर कॉस स्क्वायर थीटा की रेंज भी क्या होती है, जीरो से वन होती है। मतलब कहने का ये है कि इवन पावर होगी तो रेंज क्या आएगी, जीरो से वन आएगी, ठीक है ना। अच्छा अब मैं आपसे बोलूँ साइन और कॉस क्या एक साथ जीरो हो सकते हैं, ना, कभी जीरो नहीं होंगे ना। जब साइन जीरो होगा तो कॉस वन होता है या प्लस माइनस वन होता है, और कॉस जीरो होता है तो साइन प्लस माइनस वन होता है, ठीक है ना। आपको पता है वाई एक्सिस पे क्या होता है, साइन प्लस माइनस वन होता है और कॉस जीरो होता है। चलो चलते हैं आगे। तो अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे पावर एट और पावर फोर्टीन के बारे में। तो आपको पता है ये स्क्वायर है ना, तो इवन पावर में रखोगे तो क्या आएगा, साइन की पावर एट थीटा किस में आएगा, जीरो से वन की रेंज में आएगा, और यहाँ पर कॉस की पावर, अब समझा गया हो क्या करने वाला हूँ मैं, बताओ क्या किया जाए, दोनों को ऐड कर दें। तो ऐड करोगे तो क्या आएगा, साइन की पावर एट प्लस कॉस की पावर 14, और यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा। तो आप ध्यान से देखो, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा जीरो, और लेस देन इक्वल टू क्या आएगा वन। अब आप देखो दोनों एक साथ तो जीरो हो नहीं सकते, है ना, दोनों एक सिंगल टाइम पे जीरो होंगे नहीं, तो इसीलिए क्या आएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा अपना ग्रेटर देन जीरो, जीरो से तो पक्का बड़ा ही होंगे ना, और लेस देन क्या आएगा वन, वन हो सकता है ना, मैक्सिमम वैल्यू वन हो सकती है, तो क्या आएगा जीरो से वन। इसका मतलब ए लाइज बिटवीन जीरो से वन तक। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट्थ। क्या कह रहा है,
एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, साथ में फंक्शन का भी पार्ट है, क्या मॉडुलस फंक्शन जीआईएफ एंड दिस। तो करते हैं शुरू। तो इसमें एक ही फंक्शन है, कौन सा? जीआईएफ है ना, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन नहीं है, होगा तो ये आपको खुद बोल देगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, ये मैक्सिमम पूछ रहा है ना, मैक्सिमम ऑफ दिस एंड दिस, इनमें से जो भी मैक्सिमम वो लेना है आपको। तो करते हैं शुरू। तो मैंने क्या किया, जीआईएफ देखा, तो इसको ब्रेक कर लिया किसमें, माइनस टू से माइनस वन, माइनस वन से जीरो, जीरो से वन एंड वन से टू। क्लियर? अब आता हो माइनस टू से माइनस वन में क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ किसमें से, माइनस टू से माइनस वन में क्या होगा, नेगेटिव खुलेगा x, तो क्या आ जाएगा यहां पर, तो जीरो आ जाएगा, ठीक है, कॉमा, यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस टू से माइनस वन का जी आई एफ क्या होगा, माइनस टू, तो यहां आ जाएगा x माइनस टू डी एक्स प्लस। नेक्स्ट इसमें बताओ क्या हो जाएगा, माइनस वन से जीरो में नेगेटिव खुलेगा, तो अगेन मैक्सिमम ऑफ किसका, जीरो, और दूसरा वाला जो पार्ट है माइनस वन से जीरो में क्या हो जाएगा, जी आई एफ माइनस वन आएगा, अच्छा बाहर माइनस साइन था यहाँ पर, तो ये इसका मतलब प्लस आएगा यहाँ पर एक्स प्लस टू, कोई बात नहीं। तो माइनस वन खुलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वन, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस वन, ठीक है ना, डी एक्स। नेक्स्ट प्लस जीरो से वन, जीरो से वन में जी आई एफ ऑफ जीरो से वन क्या आएगा, जीरो आएगा, और जीरो से वन में जो मॉड एक्स है वो कैसा खुलेगा, वो पॉजिटिव, तो यहां पे क्या आ जाएगा, मैक्सिमम ऑफ, बोलो, पॉजिटिव खुलेगा तो 2x, और वहां पे क्या आ जाएगा, जीरो, यानी कि वहां बचेगा x dx प्लस। अब इसमें क्या होगा बताओ, यहां पर आ जाएगा अपना मैक्सिमम ऑफ, ये तो 2x हो ही गया, पॉजिटिव खुलेगा, और 1 से 2 में 1 आएगा जी आई एफ, तो x माइनस वन डी एक्स, ठीक है। तो अब इसमें कर लो आप सॉल्व, तो बताओ मैक्सिमम ऑफ जीरो और x प्लस टू में से कौन मैक्सिमम होगा, तो एक काम करो, है ना, समझ में नहीं आए तो आप ग्राफ बना लें इसका, तो x प्लस टू का ग्राफ कहाँ से पास करेगा, माइनस टू कॉमा जीरो से, और यहाँ पर माइनस वन आएगा, ये माइनस टू आएगा, ये जीरो आएगा, यहाँ वन और यहाँ टू, तो देख लो सॉल्व कर लो, आप कर लोगे आराम से। बताओ जीरो, y इक्वल टू जीरो कौन सी लाइन है अपनी, x एक्सिस, और y इक्वल टू x प्लस टू कौन सी है, ये जो लाइन मैंने बनाई है, तो कौन सी ज़्यादा है, x प्लस टू ज़्यादा है माइनस टू से वन में, माइनस वन में, तो x प्लस टू आ जाएगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस टू, सही है, इंटरवल क्या आ गया, माइनस टू से माइनस वन डी एक्स प्लस, माइनस वन से जीरो में बताओ, माइनस वन से जीरो में क्या आ रहा है फंक्शन मेरा, एक्स प्लस वन, यही ज़्यादा है जीरो से, तो क्या हो गया, एक्स प्लस वन हो जाएगा डी एक्स माइनस वन से जीरो प्लस, इसमें से मैक्सिमम कौन आएगा बताओ, वाई इक्वल टू टू एक्स, और वाई इक्वल टू एक्स में से टू एक्स ज़्यादा स्लोप है ना, तो ऊपर रहेगा टू एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा टू एक्स डी एक्स। नेक्स्ट एंड द लास्ट, टू एक्स और एक्स माइनस वन है ना, टू एक्स तो कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से, एक लाइन है जो ओरिजिन से पास करेगी ऐसे, और x माइनस वन क्या होगी, वन से पास करने वाली, वन स्लोप के साथ, जो भी ऐसा है, देखिए ना, तो कौन ज्यादा है बताओ, वन से टू में वही ज्यादा है टू एक्स, तो क्या आ जाएगा, टू एक्स आ जाएगा। कर लें इसको सॉल्व जल्दी से, चलो सॉल्व कर लेते हैं, आ जाओ, तो बताओ यहां पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस टू एक्स लिमिट माइनस टू से माइनस वन प्लस, यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स लिमिट आएगी माइनस वन से जीरो, सेम विद इसके, कर लोगे इसको सॉल्व, आ गया आप, है ना, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, लिमिट आएगी जीरो से वन, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, लिमिट आएगी वन से टू, इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, चले आगे, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, इफ वन प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यू एक्स अप टू इन्फाइनेट, इन्फाइनेट जीपी का जो समय वो गिवेन है अपने को, और कह रहा है एक्स जो है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो बताओ वैल्यू ऑफ एक्स क्या रही होगी, तो निकाल लेते हैं वैल्यू ऑफ एक्स। पहले तो बताओ इन्फाइनेट जीपी का सम क्या होता है, ए अपॉन वन माइनस आर, और कंडीशन क्या होती है, जो कॉमन रेशियो है वो क्या होना चाहिए, वन से कम होना चाहिए, तो एक काम करते हैं, इन्फाइनेट जीपी का सम क्या हो गया, वन अपॉन वन माइनस एक्स, और एन इट इज इक्वल्स टू फोर प्लस टू रूट थ्री, तो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। अब साइन एक्स का बताओ, एक्स का रेंज क्या है, जीरो से पाई है, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है साइन, पॉजिटिव ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो उधर ले चलते हैं इसको, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आएगा, ये आ गया वन अपॉन फोर प्लस टू रूट थ्री इक्वल्स टू वन माइनस साइन एक्स, तो ये आ गया मेरे ख्याल से फोर माइनस टू रूट थ्री, रेशनलाइज कर लिया, नीचे आ जाएगा सिक्सटीन माइनस दो दूनी चार, चार तिया बारह, वन माइनस साइन एक्स, और ये आ गया सॉल्व हो गया मेरे ख्याल से फोर माइनस चार बचेगा, तो वन माइनस रूट थ्री बाई टू इक्वल टू वन माइनस
साइन एक्स, साइन एक्स वैल्यू क्या होगी रूट थ्री बाई टू, और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में कैसा होता है साइन पॉजिटिव होता है, तो पाई बाई थ्री और टू पाई बाई थ्री, ऑप्शन नंबर फोर सही होगा। चलें आगे, है ना, आप चाहते तो यहाँ से ही कंपेयर कर सकते थे सीधे, है ना, क्या करते इसको रेशनलाइज कर देते तो ये आ जाता ऊपर वन प्लस साइन और नीचे आ जाता कॉस स्क्वायर, तो रेसिपुल करते तो ये आ जाता सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ आ जाता टेन एक्स इंटू सेक एक्स, फिर कंपेयर कर लेते दोनों साइड को तब भी आपका आंसर आ जाता है ना फोर, इससे फोर प्लस टू रूट थ्री से, लेकिन ये जैसा ये जो मैंने किया है अभी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर सकते हो आप। हाँ भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे, दी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू लाइंस आर सच दैट, डायरेक्शन कोसाइन का रिलेशन दे रखा है अपने को, है ना, डायरेक्शन कोसाइन का रिलेशन दे रखा है, और क्या रिलेशन है एल प्लस एम प्लस एन इक्वल जीरो और या फिर एल प्लस एम प्लस एन इक्वल तीन का स्क्वायर का सम और माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो कह रहा है एंगल कितना होगा दोनों लाइंस के बीच में, तो बताओ क्या करेंगे दोनों लाइंस के बीच में एंगल पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं बताओ, एक काम करते हैं L और M का यूज करते हुए क्या कर लें अपन डायरेक्शन कोसाइन निकालने की हेल्प कोशिश करते हैं किससे, इन दोनों की हेल्प से, तो मैंने क्या किया किसी भी एक की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे N नेगेटिव है तो एक काम करो N की वैल्यू निकाल लो, N की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का L प्लस M, माइनस का L प्लस M आ जाएगी और इस वैल्यू उठा के इसमें रख दो सेकंड इक्वेशन में, तो क्या मिल गया L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर, यानी कि माइनस का L प्लस M का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर इक्वल टू क्या चल रहा है जीरो, जब होल स्क्वायर खोलोगे तो सारे क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, लेकिन बाहर क्या साइन है माइनस का, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेगा मात्र मात्र टू एल एम, तो टू एल एम इक्वल टू यदि जीरो है तो एल की वैल्यू एक तो जीरो आ गई और एक एम की वैल्यू भी जीरो आ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया एल की वैल्यू जीरो आ रही है और एम की वैल्यू जीरो आ रही है, और इनको अपन क्या कर सकते हैं एल और एम की हेल्प से बाकी डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो देखो एल जीरो होगा तब क्या होगा बताओ, जब एल जीरो होगा तो यहाँ पे L0 पुट किया मैंने तो M प्लस N बराबर 0, तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ माइनस एम लिख सकता हूँ आराम से, और जब M की वैल्यू 0 होगी तब क्या होगा बताओ, जब M को आप 0 करोगे तो L प्लस N इक्वल टू 0 आएगा, तो यहाँ से N की वैल्यू आ गई माइनस का L, तो अपने को L M N का जो रेशियो है वो क्या मिल जाएगा अपने को डायरेक्शन कोसाइन का जो रेशियो है वो मिल जाएगा L इज टू M इज टू N, और आपको पता है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस आपको निकालना हो तो आपने पढ़ा हुआ है कि cos theta इक्वल्स टू क्या होता है अपना A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, डायरेक्शन कोसाइन के मल्टीप्लिकेशन का मोड अपॉन में अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और दूसरे मोड में क्या आएगा बोलो A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ठीक है, तो आराम से आप क्या कर सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा निकाल के, एल इज टू एम इज टू एन, तो क्या आ जाएगा बताओ ये आ रहा है मेरे ख्याल से एल इज टू एम इज टू एन, तो एल की वैल्यू क्या है जीरो, एम की वैल्यू क्या है एम तो एम ही रहेगा और n की वैल्यू क्या है माइनस एम, तो l और m, l तो जीरो है और m और n में क्या रिलेशन है दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है, इसका क्या हो गया l इज टू m, m की जगह तो क्या आ गया अपना m तो m ही आएगा और n की जगह माइनस एन, तो यानी कि m तो आ गया 1 और n आ जाएगा आपका माइनस 1, सही है, समझ में आई बात, मैंने क्या किया कुछ नहीं किया l जीरो m की जगह m और n की जगह माइनस m और उसको पूरे को डिवाइड कर दिया किससे m से, तो क्या आ जाएगा 1:2, 1:2, -1। नेक्स्ट चलते हैं अपन सेकंड लाइन की बात करते हैं, तो वहाँ बताओ क्या हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा अपना एल एम एन, क्या हो जाएगा एल का वैल्यू कितना है बोलो, एल तो एल ही रहेगा और एम का वैल्यू क्या आ जाएगा जीरो और एन का वैल्यू क्या होगा माइनस एल, तो यहाँ एल यहाँ माइनस एल, तो एल से भाग दे दो आप, एल से डिवाइड करते क्या हो जाएगा 1:0:-1 आ रहा है, अब आपको समझ में आ गया डायरेक्शन रेशियो, है ना, डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइन के समानुपाती, यानी कि सेम रेशियो में जो कोई तीन वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी डायरेक्शन रेशियो, तो A1 A2 A3 कि निकाल लोगे आप यहाँ से आराम से, तो क्या हो जाएगा 0 1 -1, लैम्डा का मल्टीप्लाई कर लेना चाहो कर लो, नहीं तो वो कॉमन आके कट जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी, तो क्या आ जाएगा आंसर बताओ, ऊपर तो आ रहा है मेरे ख्याल से मॉड ऑफ मल्टीप्लाई करो 1 0 0 और ये 1, तो ऊपर तो आ गया 1 सही है ना, 0 + 0 + 1 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा बताओ अंडर रूट ऑफ तीनों के स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो हो जाएगा ये 2 और सेकंड वाले में कितना आ जाएगा यहाँ पे भी 1/2, तो कर लोगे सॉल्व, आगे 1/√2 आ रहा है, नहीं 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है cos थीटा, तो 1/2 cos थीटा, तो थीटा कितना रहा होगा 60 डिग्री, यानी कि π/3, ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, fx इक्वल टू दे रखा है अपने को फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, इफ लैम्डा बराबर ये है तो अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, एक काम करें लिमिट का क्वेश्चन आ रहा है ना, तो आप सबसे पहले क्या करो आप ये देखो कहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी है आपको, जीरो पर, तो जीरो पर वैल्यू दे रखी है अपने को लैम्डा, और जीरो जब नहीं होगा एक्स तब वैल्यू दे रखी है ये, तो एक काम करते हैं जब जीरो नहीं है तो जीरो के आस और पास, यानी कि जीरो के एल एच एल और आर एच एल चेक कर लेते हैं अपन, वो इक्वल होनी चाहिए किसके वैल्यू ऑफ लैम्डा के,
है ना, तो कहीं भी चेक कर लेते हैं, जीरो प्लस या जीरो माइनस पर, एक ही बात है। तो क्या हो गया बताओ, एक काम करो, यहीं सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं इसको। देखो इन दोनों से कॉमन आ रहा है कुछ, क्या कॉमन आ रहा है, 216 क्या होता है, 6 का क्यूब होता है, 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 3 होंगे, तो यहाँ पे 3 का क्यूब आएगा, और ये भी क्या है 27, 3 का क्यूब, तो इसमें से 27 की पावर एक्स कॉमन आ जाएगी, और 27 की पावर एक्स कॉमन आएगी इन दोनों में से, और इन दोनों से क्या कॉमन आया, इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, तो 27 की पावर एक्स माइनस 1 आ जाएगा एक ब्रैकेट में, और जो दूसरा ब्रैकेट बचा उसमें क्या आ जाएगा, 8 की पावर एक्स माइनस 1। आप चाहो तो थोड़ा देख लो, है ना, यहाँ से 27 कॉमन ले लिया, यानी कि 3 की पावर 3 कॉमन ले ली, तो क्या बच गई, 2 की पावर 3, यानी कि 8 की पावर एक्स। अच्छा नीचे क्या है, √2 − 1 cos x क्या हो जाएगा, 2 cos² x/2, तो ये हो जाएगा √2 mod cos x/2, सही ना। जब भी अंडर रूट लोगे हमेशा क्या लिखोगे आप, मॉड में ना। चलो ये आ गया फंक्शन मेरे पास, अब बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, कहाँ पर चेक करनी है अपने को डिफरेंस कंटिन्यूटी, जीरो पर, तो जीरो के आसपास तो क्या होगा, मॉड पॉजिटिव आएगा, कॉस कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है ना, फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है कॉस, तो इसका मतलब ये तो पॉजिटिव खुल जाएगा, और बाकी जो बच गए उसको सॉल्व कर लो आप। तो बताओ 27 की पावर x − 1 × 8 to the power x − 1, और नीचे क्या हो गया, √2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, 1 − cos x/2, और 1 − cos x/2 के लिए याद है आपको ये क्या बन जाएगा, या तो याद करो 1 − cos x / x² लिमिट याद है, या फिर एक काम करो नहीं भी याद है तो कुछ नहीं करना आपको, बस इसको थोड़ा एक बार और इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दो, जिससे कि आपको थोड़ा सा और इजी हो जाए। कर देता हूँ चलो मैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, कई बार याद नहीं रहता है ना वहाँ पर जब जाते हैं एग्जाम में, याद नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, 27 की पावर x − 1, 8 to the power x − 1, नीचे हो गया √2, और ये हो जाएगा 2 sin² x/, कितना हो जाएगा इस बार, 4 हो जाएगा, तो आप क्या करो इसको x² / 16 से डिवाइड कर दो, जिससे कि ये 1 हो जाए, और x² / 16 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x² यहाँ और 16 ऊपर, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, a की पावर x − 1/x कितना हो जाएगा, ln a, a to the power x − 1/x, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ln a, a का काम कौन करेगा यहाँ पर, 27, यहाँ a का काम कौन करेगा, 8, तो यहाँ पे आ गया है ना, एक तो इसका पेयर बना लिया मैंने देखो, है ना, और दूसरा पेयर इसका एक दूसरे बचे हुए x के साथ, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, ln 27 और दूसरा आएगा ln 8, अब कौन बच गया बताओ, ये वन हो गया, sin x / x तो वन हो जाएगा, है ना, ये पूरा दोनों क्या हो जाएगा सेम, इसको क्या लिखना पड़ेगा, x/4 होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, sin x/4 में x/4 होल स्क्वायर, अब क्या बच गया अपने पास, 2√2 नीचे बचा है, ऊपर है 16, तो कितना हो जाएगा, 16/2√2, बाकी सब हो गया 1, ठीक है ना, साइन वाला पार्ट, तो कितना आगे आंसर निकाल लो इसका, ये तो लिख दो 3 का क्यूब, इसको लिख दो 2 का क्यूब, तो क्यूब क्यूब आगे चले गए, तो 3 3 9, और 16/2√2 कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा आपका कितना, 4 चौक 16, तो 4√2 आ गया, और बाकी क्या बच गया, ln 2 और ln 3। अब बताओ क्या चाहिए था अपने को, रूट अल्फा लेमडा की जो वैल्यू है, अच्छा ये किसके इक्वल होगी, लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन के एट दैट पॉइंट होता है ना, LHL = RHL = value of function f0, है ना, जहाँ पे निकाल ले लिमिट, है ना, तो बताओ कितना हो गया, 9 4 36, 36 को स्क्वायर करके अंदर ले जाओ आप, तो अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, ln 2 ln 3 कंपेयर में आ ही रहे हैं, है ना, तो अल्फा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे, कितना आएगा, 36 × 36² × 2, 36² × 2 कर लोगे, है ना, ऑप्शन नंबर 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ टॉटोलॉजी, पहली बात तो टॉटोलॉजी क्या होती है अपनी, पुनरुक्ति क्या होती है, टॉटोलॉजी का मतलब होता है जब अपना जो आउटकम है, जो आउटपुट है, वो हमेशा क्या आए, ट्रू आए। तो देखो कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ज्यादा आसान है आप किससे करें, टेबल लॉन्ग के कर लें, है ना, टेबल लॉन्ग के कर लें, तो क्या हो जाएगा, देखो ये पी मान लेते हैं यहाँ पर, इसको मैंने क्यू ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, और फॉल्स फॉल्स, ठीक है। अब क्या बात हो रही है बताओ, पी से क्यू, पी इंप्लाइज क्यू, और नेगेशन ऑफ पी चाहिए और नेगेशन ऑफ क्यू भी चाहिए, है ना, तो सारी चीज़ निकाल के रख लेते हैं एक बार पहले। तो बताओ नेगेशन ऑफ पी क्या आ जाएगा यहाँ से पहले, या फिर पी से क्यू निकाल लें पहले, पी से क्यू निकाल लेते हैं, जैसे कि नेगेशन ऑफ क्यू काम ले लेंगे, ठीक है, चलो पी निकाल लेते हैं पहले, आ जाओ पी इंप्लाइज क्यू क्या आ जाएगा बताओ, इसका क्या मीनिंग होता है, पी इंप्लाइज क्यू कब आता है, बाकी सब टाइम ट्रू रहता है, बस एक में फॉल्स आता है, याद हो तो, कब, जब अपना क्या जा रहा है, ट्रू से फॉल्स जा रहा है, याद है, तो यदि क्यू फॉल्स है तभी ये फॉल्स आएगा, बाकी सब टाइम क्या आएगा, ट्रू आएगा, तो ये भी ट्रू, ट्रू से फॉल्स फॉल्स, बाकी ये ट्रू, ये भी ट्रू, ये आपको याद है ना। इसके बाद नेक्स्ट अपन चलो, पी इंप्लाइज क्यू आ गया, अब क्या करना है, इसका एंड लेना है किसके साथ, नेगेशन ऑफ क्यू के साथ, तो नेगेशन ऑफ क्यू निकाल लेते हैं,
नेगेशन ऑफ क्यू में क्या आ जाएगा बताओ, नेगेशन ऑफ क्यू का मतलब होगा क्यू का उल्टा, तो ट्रू है तो ये फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ये भी हो गया। नेक्स्ट अब अपने को क्या करना है, पी इंप्लाइज क्यू से एंड क्यू, अब इंप्लाइज पी यू है और इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी, तो नेगेशन ऑफ पी भी ले लो चलो। अच्छा वो रह गया ना अभी पी इंप्लाइज, ये भी तो रह गया अभी, पी इंप्लाइज क्यू एंड नेगेशन ऑफ क्यू, है ना, ये काम करना है ना, पहले ये काम को तो कर ले एंड, तो क्या हो जाएगा बताओ, ट्रू और फॉल्स का क्या हो जाएगा, एंड फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू का भी फॉल्स हो जाएगा, ट्रू फॉल्स का फॉल्स होगा, और ट्रू ट्रू का क्या हो जाएगा ट्रू, जब दोनों ट्रू होते हैं तभी क्या आएगा आउटपुट ट्रू आएगा, बाकी टाइम फॉल्स। चलो नेक्स्ट बताओ, अब बताओ अब क्या रह गया, यहाँ से ले लेते हैं लास्ट क्या रह गया अपना, नेगेशन ऑफ पी के साथ करना है और नेगेशन ऑफ पी के साथ इम्प्लाइज करना है, तो कर लेते हैं पहले, पहले अपन पूरा लगा लेते हैं क्या, पी इम्प्लाइज क्यू एंड किसके साथ, नेगेशन ऑफ क्यू, अब इसका ये इम्प्लाई करता है किसको, नेगेशन ऑफ पी को, इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं पहले, है ना, बताओ क्या आ जाएगा, तो इसमें क्या था इम्प्लाइज में क्या होता है, जब ट्रू से फॉल्स, है ना, जब बाद वाला फॉल होगा, फॉल्स होगा तभी फॉल्स आएगा, बाकी टाइम क्या आएगा ट्रू, तो कर लेते हैं चलो, तो इसका किसके साथ करना है अपने को, नेगेशन ऑफ पी के साथ, यानी कि इसका नेगेशन ऑफ पी, तो नेगेशन ऑफ पी निकालना नहीं है अपन ने, चलो कोई बात नहीं नेगेशन ऑफ पी निकाल लेते हैं, तो यहां लिख दूं मैं नेगेशन ऑफ पी, क्या जाएगा बताओ, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये ट्रू, ठीक है, चलो बताओ, फॉल्स फॉल्स क्या आएगा ट्रू, ठीक है, फॉल्स फॉल्स ये भी क्या आ जाएगा ट्रू, फॉल्स ट्रू ये भी क्या आ गया ट्रू आ गया, ट्रू ट्रू ये तो ट्रू आएगा ही, है ना, मतलब ट्रू फॉल्स होता तब वहां पे क्या आएगा फॉल्स, मतलब आपने क्या करना है P इंप्लाइज Q में, ये फॉल्स कब होता है, ये फॉल्स तभी होता है जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो, तभी ये फॉल्स आता है, अदरवाइज क्या आता है हमेशा ट्रू आता है, ठीक है ना, तो ये आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इसको याद रखें, तो ये क्या रहा है, चारों ट्रू आ रहे हैं इस केस में, इसका मतलब क्या हो गया कि ऑप्शन नंबर वन ही इसका सही आ रहा है, और बाकी अपन सेकंड थर्ड ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं ना, जैसे इसके साथ चेक करें पी के साथ तो क्या होगा बताओ, पी के साथ चेक करेंगे तो क्या होगा, फॉल्स ट्रू क्या आ जाएगा ट्रू, फॉल्स ट्रू क्या आ जाएगा ट्रू, फॉल्स फॉल्स क्या आ जाएगा ट्रू, ट्रू फॉल्स ये क्या हो गया फॉल्स, तो लास्ट वाला जो पार्ट है ये क्या आने वाला है, इसमें फॉल्स आने वाला है, किस वाले में, सेकंड पार्ट में, तो इसका मतलब ये टोटोलॉजी नहीं है, बाकी आप पार्ट ऐसे ही चेक कर सकते हैं, चलें आगे, चलो देख लो इसको एक बार, है ना, समझ में आ गई बात, चलें आगे चलो। हाँ भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और इसमें आपसे रखा है क्वाड्रेटिक और अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, अब आपको पता है ना, आपने याद कर लेगा कर रखा होगा ना, रट रखा होगा क्या, लेकिन रटने की जरूरत भी नहीं है ना, ऐसा कोई खास, सुनो मेरी बात, क्वाड्रेटिक के अंदर बाहर क्या है क्वाड्रेटिक और अंदर भी क्या है क्वाड्रेटिक, तो इसको आपने क्या पढ़ा है कि अपन एक्स को 1/2 पुट कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, और एक और बात क्या कि कई बार ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो भी क्या होता है काफ़ी हेल्पफुल होता है, तो इसमें या तो आप एक्स की जगह 1/2 रख के कर लें इसको, या फिर मैं जो बता रहा हूँ वो कर लें क्या, कि एक्स की जगह आप रखें इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, और यदि माइनस आ रहा है तो इसमें साइन और कॉस चलेगा, और साइन और कॉस चलेगा तो एक काम करते हैं, ऊपर 3 चाहिए और नीचे चाहिए अपने को 4, तो एक काम करो एक्स की जगह रख दो आप √3/2 साइन थीटा, और देखो ये बन गया आपका काम शानदार, कैसे, एक्स तो हो जाएगा अपना dx √3/2 कॉन्स्टेंट, साइन की जगह क्या cos थीटा into d थीटा, ये आ गया इसका रिप्लेसमेंट, तो कर दो फटाफट से क्या हो जाएगा बोलो, ऊपर तो आ जाएगा √3/2 cos थीटा d थीटा, ठीक है, और देखो नीचे क्या हो जाएगा, रूट के अंदर क्या आएगा पहले ही बताओ, रूट के अंदर 4 से तो 4 कट जाएगा और 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा 1 - sin² और 1 - sin² बन जाएगा आपका cos² तो ये आ जाएगा आपका √3 cos, ये आ जाएगा √3 cos थीटा, क्लियर होगी बात। अब चलते हैं बाहर वाले पर, बाहर क्या आएगा देखो आप, x की जगह पुट किया है आपने √3/2 sin थीटा, तो x² कितना हो जाएगा 3/4 sin² अब ये हो जाएगा 3/4 sin², तो LCM लोगे तो 4 4 जा 16, तो ये जाएगा 16 + 3 3 जा 9 9 sin² ये आ गया, और नीचे क्या आएगा इनका LCM 4 आएगा, ठीक है, तो ये आ गया अपना आगे वाला पार्ट विदाउट रूट वाला, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा √3/2 cot थीटा d थीटा, तो एक काम करो आप √3 से √3 कट गया, 2 से आप 4 को काट दो एक बार, तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो 2 आ गया बाहर, cos से cos कट कैंसिल आउट हो गया, तो इंटीग्रेशन के अंदर रह गया 1/16 + 9 क्या रह गया sin² d थीटा, इसको आप सॉल्व कर लोगे आराम से, आपको बताया साइन स्क्वायर के लिए क्या करोगे आप, cos स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे, तो ये बन जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर तो हो जाएगा sec² थीटा,
जब कॉस को थीटा से डिवाइड करोगे आप और नीचे आ जाएगा क्या, वन अपॉन साइन क्या हो जाएगा कोसेक, तो ये हो जाएगा 16 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 9, ठीक है ना, मैं 9 टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर से किया है, कॉस स्क्वायर से किया तो यहाँ पे सेक आएगा फिर, है ना, सेक स्क्वायर। दोबारा कर दें, चलो 16 के साथ क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा, मैंने कॉस स्क्वायर से किया ना इसलिए, और प्लस में आएगा 9 टेन स्क्वायर थीटा। अब आपको कुछ नहीं करना, याद है ना क्या करते हैं अपन, टेन थीटा को टी पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा ये तो, और नीचे क्या हो गया टी, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर। कर लोगे सॉल्व, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म में नहीं, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, निकाल लोगे आंसर आराम से। चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, फोर फेयर डाइस D1, D2, D3 एंड D4 ईच हैविंग सिक्स फेसेज नंबर्ड 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, मतलब आपके पास 6 डाइस हैं और उनको आपने निष्पक्ष हैं वो, है ना, फेयर डाइस हैं, तो इनको आपने फेंका या उछाला, तो एक से लेके 6 तक जो उस पर नंबर्स हैं उनमें से कोई भी आ सकता है उस पर, क्योंकि फेयर हैं। तो अब कह रहा है तो पासे D4 पर दर्शित अंक्या संख्या के D1, D2, D3 पर दर्शित, ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, वो कहना चाह रहा है दी प्रोबेबिलिटी दैट D4 शोज अ नंबर अपीयरिंग ऑन D1, D2 या D3, ठीक है ना, तो वन ऑफ किसी भी एक पर आने चाहिए क्या वो नंबर। तो सिंपल सी बात है, सुन लो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 डाइस को थ्रो किया, उनमें से एक जो डाइस है D4 उस पर वो नंबर आए जो इनमें से किसी एक पर आया हो, किस पर, D1 पर या D2 पर या D3 पर, इनमें से जो किसी एक पे एक नंबर आया है वही एक नंबर किस पे आ जाए D4 पर, और इनमें से किसी एक पर ही आना चाहिए वो नंबर जो D4 पर आया है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो एक काम करते हैं अपन, पहले तो ये बताओ टोटल आउटकम क्या हो सकती है इसकी, D1, D2, D3 और D4, ये 4 डाइस आपने थ्रो किए हैं तो एक पर कितने आ सकते हैं, 6 में से कोई भी नंबर आ सकते हैं, तो टोटल नंबर्स क्या क्या आ सकते हैं, पहली डाइस पे 6 में से कोई एक, दूसरी में भी 6 में से कोई एक, तीसरी में 6 में से कोई एक, चौथे में भी 6 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है, ठीक है ना, ये तो हो गया टोटल आउटकम। अब अपने को निकालना है फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम क्या होता है, देखो आपको D4 पर वो नंबर आए जो इनमें से किसी एक पर आया हो, जो इनमें से किसी एक पर आया हो तो क्या हो जाएगा बताओ, तो आप देखो इसमें एक काम करो, टोटल आउटकम में से माइनस कर दो वो आउटकम जिसमें इस पर जो नंबर आया है, किस पर, D4 पर जो नंबर आया है वो D1, D2, D3 में से किसी पर भी ना आया हो, उन केसेस को आप हटा दोगे तो आपके पास कौन से केस बन जाएंगे, वो केस बन जाएंगे जो D1, D2, D3 किसी पे भी एक पे केस, वो जो नंबर आया होगा वो किस पे आएगा, D4 पे आएगा। तो आपने क्या किया, 6 में से कोई एक नंबर सेलेक्ट किया, ठीक है ना, और वो किस पे आ गया, D4 पर आ गया। अब बचे हुए कौन रह गए, D1, D2, D3 पे कितने नंबर बच गए, 5। अब 5 में से कोई भी एक नंबर इन तीनों पे आ सकता है, तो 5 में से कोई भी एक इस पे आ जाएगा, D1 पर, D2 पर और D3 पर, बात आ गई सुनने। तो टोटल में से कौन से वाले केस माइनस कर दिए, वो केस जिसमें D4 पर नंबर D1, D2, D3 से अलग आया है, ठीक है, तो अब वो केस बच जाएंगे, नहीं बच जाएंगे, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा बताओ, 6 की पावर 4 माइनस कितना आ गया ये, 6 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इसको आप सॉल्व कर लो, और नीचे क्या है 6 की पावर 4, तो एक काम करते हैं 6 कॉमन ले लें क्या, 6 कॉमन लेगा तो कट जाएगा, सही है ना, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216, ये हो गया 216 और ये हो गया 125, अपॉन में कितना जाएगा 125, 216, 6 का क्यूब 216 और ऊपर कितना आ रहा है देखो 125, 225, 9 कम है इसका मतलब 9 और 1, ठीक है, तो 216, ठीक है ना, 25 और 16, 9 का डिफरेंस है ना, तो कितना हो जाएगा ये, सॉरी 16 और 25, ठीक है ना, तो कितना आ गया 91 अपॉन 216 आ गया, तो कितना आ गया अपना 91 अपॉन 216। चलें आगे, चलो हाँ भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ये दो इलिप्स अपने को दे रखे हैं और क्या कह रहा है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू इलिप्सिस दिस एंड दिस किस पर लाई करेगा, सर्कल जिसका सेंटर ये है और रेडियस ये है या फिर ऐसा ऐसा, ठीक है, तो करते हैं शुरू। तो एक काम करो, आपने क्या कर लिया, एक को S1 मान लिया, एक को S2, है ना, तो एक को S1 मान लेते हैं और एक को S2 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो, S1 प्लस लैम्डा S2, फैमिली ऑफ सर्कल याद है, तो क्या हो जाएगा S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल टू 0, क्या मिल जाएगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, 4x² प्लस 2y² माइनस का 20x प्लस का 2y प्लस का 35 प्लस में लेमडा टाइम्स ऑफ
एस टू, एस टू इसको मान लिया मैंने, बाकी किसको मान लो, इसको एस वन, इसको एस टू, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस 23 इक्वल टू जीरो है ना। अच्छा यहाँ पर माइनस का 2 आएगा, ये माइनस का 12, माइनस का 12 आएगा यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर ये माइनस 12 कर लो, ठीक है ना, यहाँ पर माइनस 12 कर लें आप लोग। और इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। अब अपने को पता है कि यदि ये सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाला इक्वेशन किससे, सर्किल से, सर्किल बना रहा है, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो इक्वल होना चाहिए वाई स्क्वायर के कोफिशियंट के। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना जाएगा बताओ, 4 प्लस लेमडा आ गया, और वाई स्क्वायर का कोफिशियंट कितना जाएगा, 2 प्लस 2 लेमडा। तो ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए तभी ये रिप्रेजेंट करेगा सर्किल को। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से बताओ, लेमडा की वैल्यू तो आ रही है 2। अब लेमडा की वैल्यू 2 इसमें रख दो तो देखो इक्वेशन क्या बन रही है, देखते हैं। तो लेमडा की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो 4 और 2 6, तो 6 एक्स स्क्वायर आ गया, और चलो आगे 6 वाई स्क्वायर आ गया, और चलो आगे 2 6 12 12 और 20 कितना हो गया, माइनस का 32 एक्स हो गया, वाई कर लो तो 12 दूनी 24, 24 और 12 कितना हो गया 36, माइनस का 36 वाई हो गया, और कितना हो गया 23 दूनी 46, 46 और 35 कितना हो गया, 35 दूनी 70 और 11, 70 और 11 हो गया अपना 81, यानी कि 81 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इसका सेंटर चेक कर लेते हैं अपन, पहले 6 से भाग देना पड़ेगा सबको, उसके बाद सेंटर निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का कितना हो गया 16 बटे 3 एक्स माइनस का 6 36 प्लस का 81 अपॉन 6 बराबर 0। यहाँ से सेंटर तो दिख ही रहा है 8 अपॉन 3 कॉमा 3, 2 से भाग देंगे ना 2 से भाग, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, तो सेंटर तो मेरे को मिल गया। बस ये भी निकालोगे आप रेडियस कैसे, आर बराबर अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो रेडियस निकालोगे ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आएगा, ठीक है कर लेंगे आगे सॉल्व। चलो लेकिन ये इसमें माइनस 12 है ना, जो कि आपको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, सिग्मा की वैल्यू आर बराबर 0 से लेकर 10 तक है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे, तो क्या करोगे बताओ, पहले एक्सपेंड करोगे इसको, आप एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, जब 0 रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, जब 1 रखोगे तो नेगेटिव आएगा, यानी कि जब ऑड पावर होगी माइनस 1 की तो नेगेटिव आने वाला है, ये आपको पता है ना। यहाँ पे क्या आएगा 20c2 और फिर आएगा 20c3 और लास्ट में आ जाएगा, चलते चलते लास्ट में आएगा प्लस का 20c10, क्योंकि कैसी है इवन पावर हो जाएगी 10, ठीक है ना। अब क्या करो, देखो आपको पता है कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम होता है ना, यदि वो लगातार है ना, लगातार है और 0 से लेके n तक है, तो क्या होता था 2 की पावर n, लेकिन एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो उसका 0 भी आता था सम, है ना, ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट और इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट, याद आ रहा है ना। तो क्या करो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, है ना, 2 से क्या कर दो आप डिवाइड और 2 से कर दो इसको आप मल्टीप्लाई पूरे को, ठीक है। तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या होगा, ये आपके सामने 20c0 का डबल हो गया। अब 20c0 टू टाइम्स लिखना है आपको, तो एक तो हो गया 20c0 और जो दूसरा वाला 20c0 का उसको मैं लिख दूंगा 20c20, क्योंकि आपको पता है एनसीआर किसके इक्वल होता है, NCn-R के इक्वल होता है, तो मैंने 20c0 को लिख दिया 20c10। नेक्स्ट कौन सा है अपना, 20c1 है। अब 20c1 को मैं एक और जो दूसरा वाला आएगा सेकंड है ना, जो ट्वाइस हुआ है उसको सेकंड को मैं लिख दूंगा 20c19 माइनस का आ जाएगा 20c19, सही है ना। अभी इसी तरीके से जब अपन चलते रहेंगे तो बीच में कौन आ रहा होगा इसमें लास्ट में 20c10। अब 20c10 को लिखोगे आप क्या NCn-R, तो अगेन वो लौट के क्या आ जाएगा 20c10 ही आ जाएगा लौट के ना, तो उसको लिखने का कोई फायदा नहीं रहेगा क्योंकि वो एक्स्ट्रा हो गया, तो उसको मैंने अलग से लिख दिया 20c10 प्लस का आ गया 20c10, ठीक है ना, ये अलग से लिख दिया मैंने। अब देखो ये जो सम है पूरा का पूरा, इन सब का सम तो क्या हो गया 0, पता है आपको ये तो है ना, ये तो क्या हो गया सम 0 हो गया, बचा कौन अपने पास 20c10 और आगे कौन है हाफ, तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा हाफ 20c10, तो आपका आंसर क्या आएगा हाफ ऑफ 20c10, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। याद आ गया ना, 1 प्लस एक्स की पावर एन में एक्स को रिप्लेस करते हैं अपन 1 से, फिर माइनस 1 से रिप्लेस करते हैं, याद आ रहा है ना, तो माइनस 1 से जब रिप्लेस करते हैं तो 1 माइनस 1 की पावर एन क्या हो जाएगा 0, और राइट साइड में अपने पास क्या मिल जाएगा बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम, जिसमें ऑल्टरनेट टर्म्स क्या हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सॉल्यूशन निकालना है तो एक काम करते हैं, तो निकाल दो, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है और काफ़ी इजी है, सिंपल है। सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, जब भी आपके दिमाग में सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q, इस टाइप का फॉर्म दे, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x, इस टाइप का फॉर्म दिख रहा है, तो वो क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ, dy अपॉन dx प्लस इसको लिख सकते हो आप 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, आप बन गया ये dy अपॉन dx प्लस px y इक्वल्स टू qx,
जहां पर ये दोनों क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स हैं। तो क्या होता है, अपन पहले क्या निकालते हैं इसमें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स इंटू डी एक्स, है ना। तो क्या हो जाएगा, पी एक्स का काम कौन कर रहा है, टू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो ई की पावर में आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या, टू एक्स अपॉन दिस। और आप ध्यान से देखो तो ऊपर वाला क्या है, नीचे वाले का डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या बन गया, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स फॉर्म बन गई। तो इंटीग्रेशन में एफ एक्स एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स फॉर्म है, तो उसका आंसर क्या आता है, लॉग ऑफ एफ एक्स आ जाएगा सीधे सीधे, क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एफ एक्स। तो इसको सॉल्व करो आप, तो ई की पावर में जाएगा लॉग ऑफ एल एन एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। तो एल एन का बेस क्या ई है, तो क्या हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये तो क्या आ गया आपका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो क्या करो आप, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, बोलो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या आएगा, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स, क्यू एक्स कौन है, वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो भी सेम ही आया था, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स। तो एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा हुआ क्या रह गया, वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन रह गया, और वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो ए की वैल्यू कितनी यहाँ पर, वन है, तो वन अपॉन टू एल एन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ये आ गया अपना डेरिवेटिव। और यहाँ पे क्या है, वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, ये आ गया प्लस सी। तो अपने पास जो सॉल्यूशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो देख लें ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, फर्स्ट हो रहा है ना, देख लेना जो भी है फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इफ ए बी सी, अच्छा ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं और कह रहा है उसका जो लंब केंद्र यानी कि ऑर्थो सेंटर जो है वो डी है, तो बताओ ट्रायंगल ए डी सी का ऑर्थो सेंटर क्या होगा। तो पता है आपको बी बन जाएगा दोबारा लौट के, वही है ना, ये ट्रायंगल ए बी सी है और उसका जो ऑर्थो सेंटर है वो क्या है, डी ए बी सी का, तो ए बी डी सी का है ना, बी डी सी का, ए डी सी का पूछ रहा है, ए डी सी इसका क्या हो जाएगा ऑर्थो सेंटर, ये आ जाएगा लौट के बी, तो कौन सा आ जाएगा, 3.6 आ जाएगा आंसर। चले आगे, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन दिस वन, एक लाइन है उसके किसी बिंदु से अपने क्या किया, ये अपने को एलिप्स दे रखा है, उस पर टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, देन ऑल द कॉर्ड्स ऑफ द कॉन्टैक्ट पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, तो सारी सारी कॉर्ड एक फिक्स्ड पॉइंट्स पास होती हैं और पॉइंट क्या है वो बताना है आपको। तो देखो एक आपके पास एलिप्स है और एक मान लो कोई लाइन है ना, उससे किसी पॉइंट से आपने क्या कर दिया, टेंजेंट ड्रॉ कर दी, दो टेंजेंट जो ड्रॉ किए हैं वो इस लाइन से ड्रॉ कर रही हैं और लाइन की जो इक्वेशन वो क्या है, एक्स माइनस वाई प्लस माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। तो एक काम करो आप, एक्स की वैल्यू मान लो अल्फा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा माइनस फाइव आ जाएगी, तो ये पॉइंट हो गया जिससे पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं। तो आपसे कह रहा है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो है यानी कि ये, इसको मान लिया मैंने टी टी डैश, तो टी टी डैश की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी बताओ, t बराबर जीरो हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, याद आ रहा है, तो t बराबर जीरो इक्वेशन हो गई, तो क्या करते हैं बताओ, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से और वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से रिप्लेस करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है, लिख देते हैं, एक्स की जगह अल्फा आ जाएगा, तो अल्फा इंटू एक्स 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 वन प्लस वाई वाई वन, तो वाई इंटू क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस फाइव इक्वल टू कितना आ गया, फोर, ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब ये फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया, इसको आप पैरामीटर अल्फा को अलग कर लो इसमें से, फोर वाई अल्फा माइनस का चार पंजे बीस, ट्वेंटी वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो, अल्फा कॉमन ले लेते हैं, तो अल्फा इंटू क्या हो गया, एक्स प्लस फोर वाई माइनस का फोर इंटू फाइव वाई माइनस प्लस वन, तो याद आ गया फैमिली ऑफ लाइंस है ना, एल वन प्लस लैम्डा एल टू इक्वल टू जीरो। तो किस पॉइंट से पास होंगी दोनों, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, माइनस वन अपॉन फाइव, यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स प्लस फोर वाई बराबर जीरो, वाई की वैल्यू माइनस वन अपॉन फाइव इसमें रख दो आप, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस का फोर अपॉन फाइव, समझ में आ गई बात, तो कर लोगे इस तरीके से, तो एक्स की वैल्यू आ रही है फोर अपॉन फाइव और वाई की वैल्यू आ रही है माइनस वन अपॉन फाइव, ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस इंटरसेक्ट ईच अदर, देन के की वैल्यू क्या होगी, दोनों लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब क्या हो गया, या तो डिटरमिनेंट वाले तरीके से कर लो या नॉर्मल तरीके से कर लो, कैसे भी कर सकते हो, इसको मान लो लैम्डा, इसको मान लो आप म्यू, ठीक है ना, तो दोनों को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो कॉमन पॉइंट हो गया दोनों का, तो दोनों कॉमन पॉइंट है तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स सेम होंगे, किसके, इसका जनरल पॉइंट और इसका जनरल पॉइंट, कोई भी सेम कर देते हैं, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, लैम्डा प्लस टू आ जाएगा, वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, लैम्डा प्लस थ्री, और जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का के लैम्डा प्लस फोर, ये आ गया इसका जनरल पॉइंट इस लाइन के ऊपर। अब इस वाली लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट निकालो आप, म्यू मान लिया मैंने, तो एक्स बराबर क्या आ गया, के म्यू प्लस वन, वाई बराबर आ जाएगा टू म्यू प्लस फोर, और जेड बराबर आ जाएगा आपका म्यू प्लस फाइव, ठीक है ना, तो इक्वल कर लोगे यहाँ से,
लेमडा प्लस टू बराबर लेमडा प्लस टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा के म्यू प्लस वन, लेमडा प्लस थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा टू म्यू प्लस फोर, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट, दोनों का वाई कोऑर्डिनेट और दोनों का जेड कोऑर्डिनेट आप सेम कर दोगे तो आपको के की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, ठीक है ना, कर लोगे, या फिर वही डिटरमिनेंट वाला अपना सिस्टम उससे भी कर सकते हो आप, सिंपल है ना, क्या हो जाएगा माइनस टू प्लस वन तो माइनस का वन आ गया, माइनस थ्री प्लस फोर तो वन आ गया, माइनस फोर प्लस फाइव तो कितना गया वन, और बाकी क्या है वन वन माइनस के डायरेक्शन रेशियो उसके, और उसका क्या आ रहा है के टू वन, ये क्या आना चाहिए जीरो आना चाहिए, तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है ना, के की वैल्यू निकाल लोगे आराम से, चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर अच्छा सेक्शन बी है ना, सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इफ द लीस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस वन इज वन देन द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू पूछ रहा है यदि इसकी वैल्यू क्या है मिनिमम है, तो इसकी वैल्यू मिनिमम कहां पे आती है आपको पता है क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू कहां पर होती है माइनस डी अपॉन फोर ए, कब जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा हो पॉजिटिव, यदि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो उसकी मिनिमम वैल्यू तो क्या हो जाएगी माइनस इनफिनिटी या कह दो डज नॉट एग्जिस्ट, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी माइनस डी अपॉन फोर ए, एक्चुअली मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड करता है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट पर, तो यहां कैसा है ये पॉजिटिव है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वाई मिनिमम कहां पर होगा माइनस डी अपॉन फोर ए पर, बाकी दूसरा तरीका भी आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला, आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और उसमें ए की वैल्यू पता चल जाएगा आपको, है ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाकर क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर प्लस का ए, तो वाई मिनिमम कब होगा जब एक्स की वैल्यू क्या होगी ए बाई टू होगी, एक्स की वैल्यू ए बाई टू होगी तो वाई मिनिमम आ जाएगा, ठीक है ना, तो वहां से आप कर सकते हो आराम से, तो वाई मिनिमम कितना आएगा ए माइनस ए स्क्वायर बाई फोर, तो ये आ जाएगा आपका माइनस ए स्क्वायर प्लस फोर ए अपॉन फोर, सही है ना, एक्स की वैल्यू ए बाई टू होगी तो ये मिनिमम हो जाएगा उस केस में, तो एक ये तरीका भी अपना परफेक्ट स्क्वायर वाला, बाकी आप इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है, तो बताओ क्या कह रहा है वो, मिनिमम वैल्यू कितनी है वन है, तो इसको किसके इक्वल कर दूं मैं वन के इक्वल कर दूं तो कितना आ जाएगा बताओ ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस फोर इक्वल टू जीरो, तो ए की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस फोर इक्वल टू जीरो, तो ए माइनस टू का होल स्क्वायर बन गया ये, तो ये कितना आ गया जीरो, तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से टू आ रही है, तो ए की वैल्यू टू होगी तब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी वन होगी, तो इसका आंसर क्या आएगा जीरो टू, सही बेटा है ना, इससे ही कर लो या परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है ना, चलो कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है ना, जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या करेंगे, लेट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू है सी वेक्टर के, है ना, तो है ना क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, याद आ रहा है कैसे करते थे अपन, तो क्या हो जाएगा इसको एक्सपेंड करोगे तो आप ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इनटू में बी, चलो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इनटू में क्या जाएगा अपना यहाँ पर ए वेक्टर, है ना, ठीक है, अब बताओ ये किसके इक्वल है सी वेक्टर के, अब अपने वो गिवन है तीनों का जो मॉडुलस है वो कितना है ईच वेक्टर हैविंग मॉडुलस ऑफ टू हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ टू, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो क्या बन गया ए स्क्वायर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस जीरो की वैल्यू आ गई वन, तो ए इंटू ए तो ए स्क्वायर आ गया, तो कितना आ गया फोर, फोर टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू ए वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर, अब एक एक करके अपने को ए डॉट बी बी डॉट सी और सी डॉट ए निकालने हैं, तो एक काम करो आप सबसे पहले मैं क्या कर लूँ ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो सी डॉट ए आ जाएगा मेरे पास, तो ए से डॉट प्रोडक्ट कर दिया आपने, तो ए से डॉट प्रोडक्ट करोगे क्या आएगा फोर टाइम्स ऑफ ए डॉट बी माइनस यहाँ पे क्या हो गया ए डॉट बी, तो अपने पास ये तो क्वांटिटी कैसी है स्केलर और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या हो जाएगा ए डॉट ए, तो ए डॉट ए क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर हो जाएगा और ए स्क्वायर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो चार आ जाएगा, ये यहाँ क्या हो जाएगा ए डॉट सी या सी डॉट ए, एक ही बात है कुछ भी बोल दो आप, है ना डॉट प्रोडक्ट है कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी बोल सकते हो, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है बी डॉट ए, बट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये आपको पता ही है, कह रहे ना ये वैल्यू कितनी बताओ फोर हो जाएगा टू का स्क्वायर, तो ये फोर टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, ये भी फोर टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, तो कैंसिल आउट हो गया कितना आ गया ए डॉट सी यानी कि सी डॉट ए, एक ही बात है, तो ये तो आ गया अपना जीरो, फर्स्ट वैल्यू आ गई, सेकंड वैल्यू के लिए क्या करें बी से कर दें डॉट प्रोडक्ट, तो बी से कर देते हैं, तो बी से करोगे कितना आएगा बोलो बी से करेंगे तो फोर टाइम्स ऑफ बी डॉट बी माइनस ए डॉट बी पहले से है यहाँ भी कर दिया बी बी से डॉट प्रोडक्ट तो ए डॉट बी आ जाएगा और यहाँ भी करेंगे तो बी डॉट सी आ जाएगा, ठीक है ना, अब बताओ ये तो क्या बन गया ए डॉट बी का स्क्वायर बन गया और यहाँ पे क्या आ गया बी डॉट बी क्या आ जाएगा चार, तो चार चौक सोलह, तो ये कितना हो गया ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या था बी डॉट सी, और बी डॉट सी भी निकाला था क्या अपन ने, बी डॉट सी तो निकाला नहीं है अभी अपन, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं आगे, अब नेक्स्ट सी से डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं,
सी से डॉट प्रोडक्ट करोगे इसका इक्वेशन नंबर, इसको वन मान लेते हैं ना, वन को सी से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा बोलो, फोर इंटू बी डॉट सी आएगा, माइनस सी से डॉट प्रोडक्ट करने पे ए डॉट बी तो पहले से है, और यहाँ पे क्या आएगा देखो सी डॉट ए, और सी डॉट ए की वैल्यू कितनी आई थी अभी, जीरो, तो ये तो कंप्लीट क्या हो गया, जीरो हो जाएगा, है ना, इसकी जरूरत नहीं है लिखने की। लास्ट में क्या गया सी डॉट सी, और ये कितना हो जाएगा फोर, बात आ गई सुनने, तो बी डॉट सी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, वन आ गई, और बी डॉट सी की वैल्यू वन आ गई है तो यहाँ पे वन रखेंगे तो कितना हो जाएगा सी डॉट ए आ जाएगा आपके पास, नहीं ए डॉट बी, ए डॉट बी कितना जाएगा बोलो, 16 में से एक गया तो 15, तो ये 15 आ गया। तो अपने क्या निकालना है, आप तीनों के स्क्वायर का सम निकालना है, तो एक का तो स्क्वायर ऑलरेडी आ ही रहा था, ए डॉट बी का स्क्वायर कितना आ रहा है, अच्छा ए डॉट बी का स्क्वायर है ये, है ना, ए डॉट बी का स्क्वायर था ना ये, तो ए डॉट बी का स्क्वायर कितना आ रहा है 15, ये 1 और ये 0, तो 1 का स्क्वायर प्लस 15 प्लस 0 कितना आ गया 15, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, है ना, ये ऑलरेडी क्या है स्क्वायर, ठीक है, तो कितना आ गया 16 आएगा इसका मतलब, तो इसका आंसर क्या आएगा 16, 16, 16, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू fx, वेयर y इक्वल टू fx सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या है y इक्वल टू fx सॉल्यूशन है, तो करते हैं शुरू, है ना, करते हैं शुरू। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है ना, इसको आप देखो ध्यान से, y इंटू cos x d, पहले इसको अपन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो क्या बन गया ये y cos x प्लस sin x प्लस 2 इंटू dy by dx, है ना, दो तीन तरीके हैं, बाकी जो बेस्ट तरीका है वो क्या है अपना, सिंपल लिख लो इसको। अब आप देखो ये क्या बन रहा है, y cos x प्लस sin x इंटू dy upon dx प्लस में क्या आ गया 2 dy upon dx इक्वल टू 0। तो आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, और वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या बोलो, वाई साइन एक्स, और ये किसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे 2y का, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ 2y, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। अब देखो आप ध्यान से क्या बन गया ये आपका, वाई साइन एक्स प्लस 2, इसका डेरिवेटिव है कौन, पूरा कंप्लीट ये फंक्शन, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 0, किसका डेरिवेटिव था c का, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अपने क्या निकाल लिया, इसका सॉल्यूशन निकाल लिया, बस अब कुछ नहीं करना आपको, बताओ क्या करो, सबसे पहले एक काम करते हैं अपन, अपने को गिवन है, क्या गिवन है कि f0 की वैल्यू कितनी है हाफ, तो x की वैल्यू 0 डाल दो, तो ये तो 0 हो गया, ये 2, और यहाँ पर क्या आ गया c, अच्छा y था क्या यहाँ पर, y, तो इसका मतलब यहाँ पर हाफ हो आएगा फिर, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है, c की वैल्यू आ रही है 1, c की वैल्यू 1 आ रही है, इसको रख दो इसमें आप, तो क्या आ जाएगा y sin x प्लस 2y इक्वल टू 1, ये आपके पास क्या आ गया इक्वेशन, आगे निकल के क्या पूछा था, नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू fx, तो y की वैल्यू निकाल लो, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 प्लस sin x आ जाएगा, sin की रेंज क्या होती है माइनस 1 से प्लस 1, तो 1 अपॉन में क्या आ गया 2 प्लस माइनस 1 से प्लस 1, तो ऐड करोगे कितना आ जाएगा 1 से 3, तो उल्टा करोगे क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 से 1, तो y बिलोंग किसको कर रहा है बताओ, 1 अपॉन 3 से 1 को, तो इसमें क्या पूछ रहा था आपसे नंबर ऑफ इंटीजर्स, तो नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने आ रहे हैं इसमें, एक ही आ रहा है 1, तो कितना आंसर आएगा 0, 1, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस एंड दिस, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को कुछ मान लेते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, तो बताओ इसका आर्ग्यूमेंट कितना आएगा जेड प्लस 1 का, जेड प्लस 1 का आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा, प्लस 1 कर दूं मैं इसमें, ठीक है, प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा आर्ग्यूमेंट, क्या कितना हो गया वाई अपॉन एक्स प्लस 1, तो ये कितना दे रखा है अपने को, पाई बाई 6 दे रखा है आर्ग्यूमेंट, तो कितना हो गया 10 पाई बाई 6, 10 वाई अपॉन 6 हो गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा अपना बोलो, इसका आर्ग्यूमेंट जेड माइनस 1 के लिए कितना हो जाएगा, जेड माइनस 1 करेंगे तो वाई अपॉन में क्या जाएगा एक्स माइनस 1 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10 ऑफ 2 पाई बाई 3, 10 ऑफ 2 पाई बाई 3 कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा माइनस 10 पाई बाई 3, यानी कि माइनस का रूट 3 आ जाएगा, ठीक है, तो ये माइनस रूट 3 आ गया। अब अपने को क्या निकालना है इसमें, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, तो अपने को एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, तो सिंपल सा काम, एक काम करते हैं अपन, डिवाइड कर दें, डिवाइड कर लेते हैं ना, ये वैल्यू तो कितनी है 1 अपॉन रूट 3 है, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, चलो डिवाइड कर दो, तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर रहा हूँ मैं ना, तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस 1 तो ऊपर और नीचे आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है, दिस अपॉन दिस, तो y से y कैंसिल आउट हो गया, x माइनस 1 नीचे
अच्छा नहीं, इसको मैंने फर्स्ट माना है, इसको सेकंड, तो फर्स्ट को मैंने सेकंड से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, आराम से कर लें, बोलो, वाई अपॉन में एक्स प्लस वन डिवाइड बाय वाई अपॉन में एक्स माइनस वन इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री अपॉन रूट थ्री, कैसा, माइनस का, वाई से वाई कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस वन अपॉन थ्री आ रही है, इसमें आप लगा दो कंपोनेंटो डिविडेंडो, कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या कहता है, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स की वैल्यू निकालो, सिंपल है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चलो थ्री एक्स माइनस थ्री इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन, तो कितना हो जाएगा, फोर एक्स इक्वल टू टू, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ, एक्स की वैल्यू हाफ आ रही है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चेक करो, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ माइनस वन, कितना हो गया, माइनस हाफ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का रूट थ्री बाई टू, तो अपना जेड क्या आ गया, जेड आ गया अपना एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, तो क्या आ रहा है, मोड जेड आ रहा है अपना वन बाई फोर प्लस थ्री बाई फोर, यानी कि वन आ रहा है, क्या आ रहा है, वन आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा बेटा, वन आएगा, जीरो वन वन। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पर, लिमिट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव है ना, तो देखते हैं क्या हो रहा है, आपने जीरो पुट किया तो क्या आ रहा है, ऊपर वन माइनस वन जीरो हो गया, और नीचे भी क्या हो रहा है, कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन, और लॉग वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि साइन जीरो तो जीरो होगा, तो जीरो बाई जीरो का फॉर्मेट बन रहा है, तो क्या करें, इसको पहले रैशनलाइज कर लें, रैशनलाइज कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ, ऊपर तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ गए ना, मैंने ऊपर नीचे क्या किया, अंडर रूट के जस्ट अपोजिट साइड से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो ए स्क्वायर माइनस क्या बन गया, ये बी स्क्वायर बन गया, और नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, वन प्लस एक्स ओनली, ठीक है। अब बोलो आगे क्या है, इसके एल एन कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये आ गया, और लिमिट क्या एक्सटेंड कर रही है, एक्सटेंडिंग टू जीरो, तो जीरो बाई जीरो का फॉर्मेट था, मैंने देखा इरेशनल क्वांटिटी है तो रैशनलाइज कर लिया, रैशनलाइज करने से ऊपर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और मेरे को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, वन से वन कैंसिल आउट हो गया, और एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या ऊपर, सिर्फ एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया, जो भी है ये, है ना, तो ये तो सेम आ गया जो भी है, और यहाँ पे क्या जाएगा, एल एन ऑफ कॉस प्लस साइन का स्क्वायर, ठीक है, और लिमिट में टेंड कर रही है किसको, एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो बताओ क्या किया जाए, ये तो डिफाइंड क्वांटिटी है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, आप एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तो कितना आएगा, देखो जीरो जीरो जीरो, तो कितना हो गया, वन प्लस वन टू आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये जो क्वांटिटी है तो टू आ रही है, ठीक है, बात हो रही है इसकी, है ना, ये कितना आएगा, तो एक काम करें हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, इसको ना जीरो बाई जीरो का फॉर्मेट बन रहा है ना अभी भी, जीरो, और यहाँ पे क्या आएगा, लॉग वन की वैल्यू जीरो, तो जीरो बाई जीरो का फॉर्मेट है, तो एक बार क्या कर लें, इसको अपन डिफ्रेंशिएट कर लें, तो डिफ्रेंशिएट कर लेंगे ऊपर नीचे, तो क्या आ जाएगा बोलो, एल ऑपिटल रूल से ऊपर आ गया टू एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा, वन अपॉन कॉस प्लस साइन स्क्वायर, और इन टू इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन प्लस टू साइन कॉस, सही है। अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बताओ लिमिट क्या पुट करनी है अपना, जीरो, इससे पहले थोड़ा सा इसको कैंसिल आउट सिंप्लीफाई कर लें, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, साइन कॉमन लोगे आप, ऊपर है एक्स, तो एक्स अपॉन साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा, वन बचेगा जो, उसमें आप पुट कर दो एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, समझ गया बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या है आपकी, जीरो, तो इसमें साइन कॉमन लिया आपने, तो क्या हो गया, टू एक्स अपॉन में साइन एक्स, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से टू कॉस, और यहाँ से माइनस का वन, उल्टा लिख देता हूँ उसको मैं, टू कॉस माइनस वन, और ये जो डिनोमिनेटर में है वो ले गया मैं ऊपर, तो ये हो गया कॉस प्लस साइन का स्क्वायर, अब ये तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, है ना, ये तो हो गया वन, ठीक है, ये वन, और बचा क्या, टू इन टू, अच्छा यहाँ पर वैल्यू कितनी आई थी, टू आई थी ना, इसको भी बाहर निकाल लूँ मैं टू, तो ये टू से टू कट तब भी जाएगा, ठीक है, टू से टू कट गया, चलो अब क्या बचा अपने पास, कॉस जीरो की वैल्यू वन, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो ऊपर तो आ गया वन, कॉस जीरो की वैल्यू वन, टू माइनस वन वन, तो इसका मतलब क्या आ गया अपना, वन आ रहा है, लिमिट क्या आएगी इसकी, वन आएगी, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, जीरो वन वन। हाँ भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, इफ एम एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, तो क्या करेंगे सबसे पहले बताओ, आपको एम और एन गिवन है, और अच्छा खास बात क्या है कि जो एन है ना वो क्या है, एम से बड़ा है, एम यदि एन से ग्रेटर है इसका मतलब क्या हो गया, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है यदि वो वन है, तो एन में मल्टीप्लाई होने के बाद वैल्यू और बड़ी हो जाएगी, है ना, यदि एन एम से बड़ा है, तो एक बार मैं एम को मल्टीप्लाई करूँ साइन में, एक बार एन को मल्टीप्लाई करूँ, तो वैल्यू कौन सी बड़ी मिलेगी, एन वाली बड़ी मिलेगी मेरे को, है ना, सिंपल सी बात है। चलो तो एक काम करते हैं, ग्राफ से कर लेते हैं फटाफट से, क्या हो जाएगा बताओ, एक काम करो, सबसे पहले साइन का ग्राफ, ऑक्स का ग्राफ याद है आपको अच्छे से, जीरो से लेकर टू पाई की बातें हो रही हैं सिर्फ, ठीक है ना, ज़्यादा बातें करनी ही नहीं है,
तो साइन और कॉस का जब मॉड लेते हो आप, तो क्या होता है, जो ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस है उसकी मिरर इमेज बन जाती है अबाउट एक्स एक्सिस। तो आपने क्या है, कॉसेस का ग्राफ बना लिया पहले, चलो मैंने 2π/(+1), ठीक है। तो ये हो गया कॉस का ग्राफ। अब कॉस के ये क्या है, π/2, यहां पर आएगा पाई, ये 3π/2 और ये 2π, ठीक है, और ये है अपना 0। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी वैल्यू की, किसकी कर रहा हूँ, साइन एक्स की। अब आपसे क्या कह रहा है, एन क्या है ग्रेटर देन है एम से, तो इसका मतलब साइन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बताओ, साइन का जो ग्राफ बनेगा ये बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि जो साइन की वैल्यू होगी, मोड साइन की वैल्यू होगी जो भी, उसमें एन का जब मल्टीप्लाई करोगे और एम से क्या है साइन एन ग्रेटर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी किससे, कॉस वाले ग्राफ से। तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो देगा अपने, वो क्या देगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो कितने सॉल्यूशन आएंगे अपने, 4 सॉल्यूशन आएंगे। इसका मतलब क्या हो गया अपने पास, आंसर क्या आएगा, 4। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 5 आइडेंटिकल एंड 5 डिफरेंट बॉल्स। सबसे पहली बात क्या किया जाए बताओ, 5 बॉल सेलेक्ट करनी है किससे, एक बैग से जिसके अंदर 5 तो आइडेंटिकल हैं और 5 डिफरेंट बॉल हैं। तो 5 आइडेंटिकल और 5 डिफरेंट बॉल्स पड़ी हैं एक बैग में, ठीक है ना, और मेरे को क्या करना है, इसमें से 5 बॉल सेलेक्ट करनी है। तो क्या करेंगे बताओ, 5 बॉल सेलेक्ट करनी है तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, मैंने सारी की सारी आइडेंटिकल बॉल ले ली, 5ों की 5 कैसी बॉल सेलेक्ट कर ली, आइडेंटिकल, तो उसका तरीका कितना होगा, केवल एक है ना, और बाकी वो सेलेक्ट करनी नहीं है। तो सिंपल क्या हो गया, 5ों की 5 आइडेंटिकल बॉल्स का तरीका हो गया, एक केस नंबर 1 हो गया। नाउ केस नंबर 2, एक बॉल तो आइडेंटिकल ले ली आइडेंटिकल में से, और बाकी मैंने क्या कर लिया, ये उल्टा करते ना, 5ों आइडेंटिकल हो गई, अब 4 आइडेंटिकल और 1 डिफरेंट। तो 4 आइडेंटिकल सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो गए, एक, एक डिफरेंट लेने का तरीका कितना हो गया, 5 में से कोई 1 प्लस। अब 4 हो गई सेलेक्ट आइडेंटिकल, अब 3 सेलेक्ट करनी है आइडेंटिकल, तो उसका तरीका तो एक ही रहेगा, लेकिन 2 सेलेक्ट करनी है मेरे को डिफरेंट, तो 5 में से कोई 2 अगली बार है ना, आइडेंटिकल्स बॉल में से चाहे 1 करो चाहे 2 करो चाहे 5 करो, कितनी भी करोगे ना, तरीका तो एक ही रहेगा ना सेलेक्ट करने का, सारी एक जैसी है, एक समान है। अब बताओ 3 सेलेक्ट करनी है डिफरेंट, तो 5C3, अगली बार आइडेंटिकल कितनी हो गई, 2 नहीं अभी रहेगी 1, और ये कितनी हो गई, 4 डिफरेंट। लास्ट में क्या हो गया, आइडेंटिकल सेलेक्ट नहीं करनी, 5ों की 5 डिफरेंट, तो उसके कितने होंगे, एक ही तरीका होगा उसका है ना, एक ही तरीका होगा, 5C5, 5ों की 5 आइडेंटिकल सेलेक्ट डिफरेंट सेलेक्ट कर लिया आपने, ठीक है। तो बताओ कितना आ रहा है आंसर, तो ये आ जाएगा 1, और ये क्या हो गया, 5C1 + 5C2 + 5C3 + 5C4 + 5C5, क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 5 -1, यार है ना, NC0 + NC1 up to NCN, क्या होता है, 2 की पावर n, लेकिन इसमें NC0 नहीं है, तो 2 की पावर n - 1, तो कितना हो गया आंसर मेरा, 32 आएगा इसका मतलब, तो आंसर क्या आएगा बेटा, 32। ठीक है, चलें आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 8। नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स एग्जैक्टली है ना, एग्जैक्टली है ना, एग्जैक्टली लिखा हुआ है, इन साइड द सर्किल दिस, इस सर्किल के अंदर कितने इंटीग्रल पॉइंट होंगे। तो पहले सर्किल ड्रॉ कर लिया, अब देखें ध्यान से आप, इसका रेडियस कितना है, 4, तो ये इसका पॉइंट क्या आ जाएगा, 4,0, और ये आ जाएगा 0,4। अब अपने को ये चेक करना है कि इस सर्किल के अंदर जो इन्होंने दिया हुआ है, इसके अंदर कितने इंटीग्रल पॉइंट लाई करते हैं। तो एक काम करते हैं, जो इंटीग्रल पॉइंट्स अंदर लाई करेंगे उनको पुट करने पे, ये जो S1 है वो क्या आएगा, <0, ये आपको पता है। चलो तो सबसे पहले तो अपन चेक करते हैं एक्स एक्सिस पर, ये तो 0,0 हो ही गया अंदर, ये 1,0, ये 2,0 और ये 3,0 है ना। दोबारा बोलो, ये हो गया 0,0, ये 1,0, ये 2,0, ये 3,0 और ये 4,0, ठीक है। अब ये बताओ इसके इंटीग्रल पॉइंट कौन कौन से होंगे, इसके अलावा 1,0 के ऊपर कौन आएगा, 1,1 या 2,1 या 3,1, और जो 4,1 होगा तो आउटसाइड द सर्कल हो गया। अब ये चीज आप चेक भी कर सकते हो आराम से, कैसे, 4,1 आउटसाइड द सर्कल होगा या इनसाइड द सर्कल होगा या ऑन द सर्कल होगा, तो आप 4,1 को किस में पुट कर दोगे, इसमें। तो 4,1 रखोगे तो 4 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर - 16 कितना आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब पॉइंट कहाँ चला गया, सर्किल से बाहर चला गया, ठीक है ना। तो ये हो गया 1,1। अब बताओ 1,2, 2,2 और 3,2, 3,2 को चेक कर लेते हैं एक बार, 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर - 16 कैसा आ रहा है, ये 9 और 4 13 नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब अंदर ही होगा। फिर उसके बाद 1,3, 2,3 को चेक करना पड़ेगा, तो नहीं वो भी अंदर ही है, 3,3 कहाँ चला जाएगा, बाहर, क्योंकि 9 9 18 18 -16 माइनस का
प्लस का दो, प्लस का दो आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया आउटसाइड द सर्कल। लास्ट क्या बच गया, 1.4, 1.4 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, जैसे 4.1 बाहर था है ना, तो 1.4 रखोगे तो कैसा आएगा ये पॉजिटिव आ जाएगा है ना। तो इसका मतलब एक क्वाड्रेंट के अंदर मेरे को पॉइंट्स मिल गए कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 इस क्वाड्रेंट में है, 8 ही यहां पर होंगे, सही है ना, समझ गए बात को, ऐसे 8 ही हो गए, 8, 8, तो 8 इस वाले क्वाड्रेंट में, 8 इसमें, 8 इसमें और 8 इसमें, तो 32 तो ये हो गए पॉइंट्स, ठीक है। अब आ जाओ एक्सिस के ऊपर, तो एक्सिस के ऊपर कितने पॉइंट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 पॉइंट ये हो गए, और एक हो गया बीच में क्या मूल बिंदु यानी कि अपना ओरिजिन। तो कितने हो रहे हैं पॉइंट्स चेक कर लो आप, 32 + 12 कितना आ रहा है, ये 44, 44 + 1 कितना आ गया 45, इसका मतलब आंसर क्या आएगा इसका 45 आएगा है ना। हाउ वी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 6 अलाइक व्हाइट एंड 6 अलाइक ब्लैक बॉल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 10 आइडेंटिकल बॉक्सेस सो दैट नो बॉक्स रिमेन एम्प्टी, नंबर ऑफ सच डिफरेंट अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं। चलो करते हैं, तो 6 एक समान काली हैं और 6 एक समान सफेद गेंदे हैं, 10 समान संदूकों में विभाजित किया जाता है ताकि कोई भी संदूक खाली ना रहे। चलो करते हैं, तो मेरे पास देखो 10 बॉक्सेज हैं ऐसे, और 10 बॉक्सेज में मेरे को क्या करना है, इन 12 बॉल को रखना है, और इस तरीके से रखना है कोई बॉक्स खाली ना रहे जिसमें से 6 एक जैसी हैं और 6 एक जैसी बॉल हैं। तो अब लिख लेते हैं एक बार, 6 वाइट और 6 कैसी हैं ब्लैक, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी रखने की, कोई बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, तो सब में एक एक बांट दी मैंने, तो सब में 10 बॉल चली गई। अब जो दो बॉल बची उनके साथ क्या क्या कर सकते हो आप, है ना। तो देखो क्या क्या ऑप्शन है, दो केस बन सकते हैं, या तो पहले केस में क्या करें अपन बताओ क्या करें, पहले केस में आपने क्या किया, किसी भी एक बॉक्स में 3 डाल दी, यानी कि दो जो बॉल बची थी वो किसी भी एक बॉक्स में डाल दी इनमें से, ठीक है ना। तो 3 में तो 3 बॉल एक बॉक्स में डाल दी और बाकी बची हुई में क्या होगी, एक एक बॉल हो गई, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सही है ना, तो 9 बॉल हो रही और 3 बॉल ले रही। या फिर दूसरा केस क्या बन सकता है कि मैंने क्या किया, जो दो बॉल बची थी उनको एक एक डाल दिया किसी भी दो में, तो क्या हो जाएगा बताओ, किसी भी दो बॉक्स में दो दो बॉल चली जाएंगी, बाकी बचे हुए 8 बॉक्सेज में एक एक बॉल आ जाएगी, ठीक है, ये आ गई। तो अब ये पास आपके पास दो केस होंगे, इसके अलावा और कोई केस नहीं बन सकता कि दो बॉल जो बची हैं उनको मैं किसी और तरीके से उनमें विभाजित कर दूं या उनको उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। तो बात आ गई उसमें, पहला केस जिसमें एक में मैंने 3 बॉल डाली है बाकी 9 में एक एक बॉल, और दूसरा केस जिसमें मैंने एक दो कोई भी दो बॉक्स होंगे जिनमें दो दो बॉल हैं और बाकी सब 8 में एक एक बॉल है, ठीक है। तो करते हैं शुरू, पहले तो ये बताओ आप मेरे को, ये जो एक एक बॉल डाली है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, बात किसकी है, 3 बॉल जो डाली है आपने, तो ये जो 3 बॉल आपने डाली है किसी भी एक बॉक्स में, एक समान बॉक्स है ना, तो किसी में डालो कोई दिक्कत नहीं है, उसका तो तरीका एक ही होगा, लेकिन ये जो 3 बॉल हैं उनके साथ क्या क्या बातें हो सकती हैं, ये हो सकता है कि तीनों की तीनों बॉल्स क्या रही हों, वाइट रही हों, है ना, तीनों की तीनों बॉल्स वाइट रही हों, लिख दूं यहां पर मैं, है ना, वाइट तीनों तीनों हो सकती हैं, या फिर क्या हो सकता है, दो वाइट हों इसमें से और एक क्या हो जाए ब्लैक, या हो सकता है एक वाइट और दो ब्लैक हो जाएं, या तीनों की तीनों कैसी हो जाएं ब्लैक, ये 3 पॉसिबिलिटी हैं, 4 पॉसिबिलिटी हैं ये। अब आ जाओ नीचे, इन दो दो के साथ क्या क्या हो सकता है, हो सकता है दो ब्लैक हों, या तो 4 ही ब्लैक हो सकता है ना, या तो हो सकता है 4 ही ब्लैक हों, या फिर क्या हो सकता है कि पहली दो ब्लैक, पहले बॉक्स में दोनों ब्लैक और बाद वाले में एक ब्लैक और एक वाइट, या क्या हो सकता है पहले दोनों में तो ब्लैक है ही और बाकी दोनों में क्या, बाकी दूसरे वाले में क्या हो जाए, दोनों के दोनों वाइट हो जाएं, एक तो ये केस बन गया। और देखते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो चले दूसरा केस, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं क्या कर लूँ बताओ, ब्लैक 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 वाइट ब्लैक 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 वाइट वाइट। अब एक काम कर सकते हैं अपन, ब्लैक ब्लैक के साथ हमने केस बना लिए, अब मैं वाइट वाइट के साथ केस बना रहा हूँ ना, तो वाइट वाइट के साथ क्या केस बनेंगे देखो आप, पीछे शुरू करते हैं, तो वाइट वाइट इसके साथ एक केस क्या बन सकता है, ब्लैक वाइट का, सोचो आप, सही है। और क्या केस बन सकता है, दो सेम कलर ले लिए मैंने और दो डिफरेंट ले लिए, अब एक काम कर सकते हैं दोनों को डिफरेंट करते हैं, तो ब्लैक वाइट और ब्लैक वाइट, ये भी पॉसिबिलिटी है, सही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि चारों के चारों क्या हो जाएं, वाइट हो जाएं, यानी कि दोनों ब्लैक ब्लैक थी अब दोनों बॉक्स में वाइट वाइट होगी दोनों का पेयर। तो ये अपने पास 6 केस कौन से बन गए, जिसमें क्या हो सकता है दो दो बॉल अपन ने दो बॉक्स में डाल दी बाकी 8 में एक एक, तो ये हो गए 6 और 4 केस होते, तो टोटल नंबर ऑफ केस कितने बनेंगे बेटा इसमें, अपने पास 10 बनेंगे, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो पहले सब में एक एक बांट दी, अब जो दो बॉल तीन दो बॉल बची थी उनको दो तरीके से डाल सकते हैं, या तो दोनों किसी एक बॉक्स में डाल दिया जाए या बची हुई दोनों बॉलों को एक एक दो बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो उसके तरीके ये होंगे। तो टोटल आंसर कितना आएगा इसका अपना, 10 आएगा, ठीक है, चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
लेट पी एक्स बी अ रियल पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री विच हैज अ लोकल मैक्सिमम एट एक्स बराबर टू एंड लोकल मिनिमम एट एक्स बराबर फोर। जब भी बात आ जाए ना लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम, इसका मतलब क्या हो गया, वहां पर डेरिवेटिव क्या हुआ होगा, जीरो हुआ होगा। दूसरी बात, अब आपसे कह रहा है कि यदि P2 की वैल्यू है 8 और P4 की वैल्यू है 1, यानी फंक्शन की वैल्यू भी दे रखी है अपने को, है ना, पॉलिनोमियल की वैल्यू दे रखी है 2 और 4 पर, कितनी कितनी आ रही है, 8 और 1 आ रही है। अब आपसे कह रहा है देन P डैश 0 कितना रहा होगा, तो चलो कर लेते हैं। तो पहले तो ये बताओ लीस्ट डिग्री का है तो क्या हो जाएगा, एक मिनिमम आ रहा है एक मैक्सिमम आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पर दो बार डेरिवेटिव 0 हुआ है, इसका मतलब किसकी जो डिग्री है वो कितनी रही होगी, 3 रही होगी। तो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल आप मान लो ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये मान लिया। अब दो काम कर लो आप, एक तो ये कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो तो अपने को पता ही है कितना है, P2 की वैल्यू ये निकाल लोगे कितना हो जाएगा, 8a 4b प्लस 2c इक्वल प्लस डी, और ये कितनी दे रखी है अपने को 8, और दूसरा P4 की वैल्यू दे रखी है अपने को कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64 64a 4 चौक 16 b प्लस 4c प्लस d इक्वल टू 0 इक्वल टू 1। तो ये दो इक्वेशन हो गई, ए बी सी डी चार अननोन है और चार इक्वेशन होने वाली हैं, तो दो तो इससे बन गई, और दूसरा क्या कह रहा है, डेरिवेटिव क्या रहा होगा, मैंने अभी बोला 0 रहा होगा जहां पे मिनिमम मैक्सिमम बनता है, तो डेरिवेटिव 0 रहा होगा, इसका मतलब p डैश x, तो p डैश x क्या आ जाएगा बताओ, p डैश x आ जाएगा आपका इसका 3a x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। तो इसका डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल लो कहां पर, 0 पर, तो 0 पे वैल्यू कितनी आएगी, p डैश 0 निकालना था, तो p डैश 0 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी अपने पास, c हो जाएगी, इसका मतलब मेरे को c की वैल्यू मिल जाए तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो p डैश 0 की वैल्यू कितनी आ रही है, c आ रही है, तो c निकालना है मेरे को, तो बताओ क्या किया जाए, p डैश 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, और p डैश 4 की वैल्यू भी क्या होगी, 0, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या आ रहा है, मैक्सिमा और मिनिमम बन रहा है, ठीक है ना। तो p डैश 2 इक्वल टू 0 किया, वहां से बताओ कितना आ जाएगा, रखो इसमें 2, तो 2 दूनी 4 दिया 12, तो 12a प्लस 2 दूनी 4 4b प्लस c इक्वल टू 0, एक तो इक्वेशन ये बन गई, और यहाँ जाओ 4 रखोगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16, 16 दिया 48, 4 दूनी 8 बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो कर लोगे यहाँ सॉल्व आराम से, आप कुछ नहीं करना अपने को, बस सिंप्लीफाई करके c की वैल्यू निकालनी है, कर लोगे भाई सॉल्विंग दीजिए इक्वेशंस, करना कुछ नहीं है। देखो आप इसको मान लो 1 इक्वेशन, इसको मान लो 2 इक्वेशन, ठीक है, तो आप फर्स्ट में सेकंड को हटाओगे तो d कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए बी सी में इक्वेशन रह जाएगी, और उसके बाद वो भी सिंप्लीफाई हो जाएगा ना, क्योंकि सब में क्या है 2 का मल्टीपल आ रहा है, यहां पर इक्वेशन नंबर 3 मान लो, इसको 4 मान लो आप, ठीक है ना। तो ए बी सी में इक्वेशन ये बन गई, ये बन गई, तो आप सी को काट देना यहां से, फिर एक बार इसको इसके साथ सॉल्व कर लेना, सी को कट जाएगा, तो ए और बी आ जाएगा, ए और बी आ जाएगा, पुट करके सी निकल आएगा, या फिर एक काम ये कर सकते हो, ये जब ए बी सी में इक्वेशन आ जाए तो आप ए और बी को कट कर लें पहले, तो सी अपने आप बचेगा, है ना, तो ये काम कर सकते हो आप। बाकी एक तरीका और भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, इसको डिलीट कर दूँ। चलो दूसरा तरीका देखो, इसमें क्या करो आप, इसमें क्या करोगे दूसरे तरीके में, देखो सुनो, आपके पास पॉलीनोमियल कह रहा है लीस्ट डिग्री का है और उसका लोकल मैक्सिमा है x इक्वल टू 2 और लोकल मिनिमम है x बराबर 4 पर। कुछ नहीं करना अपने को, बस ये पता है कि मैक्सिमम मिनिमम जब बनता है तो वहां पर डेरिवेटिव क्या होता है, 0, इसका मतलब p डैश x जो रहा होगा उसकी वैल्यू 0 रही होगी कहां पर, 2 पर और 4 पर, यानी कि x माइनस 2 और x माइनस 3 क्या हो गए, इसके रूट हो गए, सॉरी 4, है ना, किसके डेरिवेटिव के, इसमें k से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के लिए ये आ गया। अब ये तो क्या बन गया अपने पास, k इंटू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 8, ये मेरे पास क्या आ गया, p डैश x आ गया। अब सुनो आगे की बात, p डैश x आ गया, अब अपने को चाहिए पॉलिनोमियल चाहिए, तो इसको अपने इंटीग्रेट कर लिया, तो क्या मिल जाएगा आपको, पी एक्स, तो k इंटू क्या आ जाएगा, x क्यूब अपॉन 3 माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 8x, और प्लस में कॉन्स्टेंट एड कर लिया म्यू। अब अपने पास जो पॉलिनोमियल है इसमें दो अननोन है, एक तो लैम, एक तो के और एक म्यू, तो के और म्यू की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप, एक बार पी टू को 8 रख दो और पी फोर को 1 रख दो, तो वहां से आपके पास के और म्यू आ जाएंगे, और उसके बाद सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी जो भी है ना, पी डैश 0 निकालना आपको, पी डैश 0 आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो कितना आ रहा है पी डैश 0, के की वैल्यू निकाल लेना बस आप, के की वैल्यू पुट करते ही के इंटू 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका मेजर का सॉल्यूशन, इसको अच्छे से आप देख लें, कोई डाउट है तो आप ऐप पर भेज सकते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कमल सिंह, सीएलसी मैथ्स फैकल्टी। मेजर पेपर नंबर 3 का सॉल्यूशन देखें मैथ्स में, तो एडवांस लेवल का है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें देखो, इफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1,20
माइनस 1, एंड पैरेलल टू दीज टू लाइंस, इन दोनों लाइंस के पैरेलल है, तो उस प्लेन का इक्वेशन ये है. तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दीज टू लाइंस इज जस्ट बी गिवन बाय द इंडिटरमिनेंट फॉर्म. सो एक्स प्लस 1 एंड वाई माइनस 2 जेड, एंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बोथ द लाइंस वी आर हैविंग 3, प्लेन इज पैरेलल टू दीज टू लाइंस, सो 3 कोमा माइनस 1, 3 0 माइनस 1 एंड 1 2 माइनस 1. इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो वी हैव हियर, तो माइनस ये जिस 0 प्लस का 2, 2 एक्स प्लस 1 एंड दिस वे माइनस 3, माइनस 3 एंड प्लस 1, सो दिस इज माइनस 2, माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा y माइनस 2. तो z वी हैव 6, सो 6 इक्वल टू 0. सो डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में क्या आ रहा है, x प्लस y, हियर वी हैव प्लस 3z. ओके, तो कॉन्स्टेंट विल बी हियर वी हैव माइनस 1. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन. सो फ्रॉम हियर यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी. सो व्हाट इज द ए, ए इज 1, बी इज 1, सी इज 3. सो व्हाट इज द ए प्लस बी प्लस सी, वी हैव ए प्लस बी प्लस सी इज 5. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव 5. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस लॉग एक्स, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी. तो देखो, अब इसको देखो, अपने 0 के इक्वल रख लेते हैं, तो 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आपके पास में साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस लॉग एक्स इक्वल टू 0. सो वी हैव हियर कोस एक्स माइनस साइन एक्स. तो अब इसमें दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का दोनों का ग्राफ बना लो. इसको देखो सिंपली अपने किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो कॉस एक्स प्लस पाई बाई 4 ओके इज इक्वल टू लॉग एक्स. इफ यू ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस, सो दिस विल बी रूट 2, दिस विल बी 1 एट एक्स इज इक्वल टू 0. एक्स इज इक्वल टू 0 वी आर गेटिंग हियर दिस इज 1, 1 आ रहा है. ठीक है, एंड एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 दिस विल बी 0. तो पाई बाई 4 पे ये 0 हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, सो वाई इज इक्वल टू हियर रूट 2 कॉस एक्स प्लस पाई बाई 4. सो एट एक्स इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 दिस विल बी हियर. सो पाई बाई 2 पे आपके पास में क्या आएगा, दिस इज माइनस 1. सो पाई बाई 2 पे दिस माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे. अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो ऐसे, इसका ग्राफ रहेगा आपके पास में. ओके, तो नाउ द ग्राफ ऑफ द वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स. तो लॉग एक्स का ग्राफ आपके पास में इस टाइप से आएगा. सो देयर विल बी ओनली वन सॉल्यूशन. सो बोथ द ग्राफ्स ऑफ बोथ द फंक्शंस विल इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट, एक पॉइंट पे कट करेंगे. सो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन वी हैव द ओनली 1, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन दिस इंटरवल दैट विल बी 1. ओके, थर्ड क्वेश्चन देखें. थर्ड, थर्ड क्वेश्चन में ए एन एंड बी एन आर द अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, सो देयर सम्स ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स आर ए एन, द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ बोथ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आर ए एन एंड बी एन रिस्पेक्टिवली. सो वी आर, देर इज अ रिलेशन, कुछ एक रिलेशन दिया हुआ आपको ना, तो ए एन अपॉन बी एन इज इक्वल टू एन माइनस 1 अपॉन 2n. तो इसकी वैल्यू पूछा है आपको. ठीक है, तो यहाँ से देखो, अगर आपने देखें थोड़ा सा यहाँ से, अगर मैं इफ n इज इक्वल टू 1 लेता हूँ, सो दैट इज द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म्स इन बोथ दी सीरीज. सो वी हैव हियर दिस इज 0, सो ए वन इज इक्वल टू 0. सो व्हाट डज इट मीन, द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस ए पी हुज which is given by the an is 0. So a is equal to 0. So इसका अपने common difference क्या let कर लेते हैं, its common difference we let this is d1. So what will the ap, ap first case में फिर क्या बनेगा आपके पास में, ap क्या हुआ,
एपी विल बी हेयर 0 डी 1 2 डी 1 3 डी 1 इस तरीके से आपके पास में दिस इज द फर्स्ट एपी हो गया फर्स्ट एपी। तो सेकंड एपी के लिए देखो अगेन सो उसका फर्स्ट हम अपने बी लेट कर लेते हैं और उसका कॉमन डिफरेंस डी टू लेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम उसका क्या आएगा आपके पास में जैसे बी तो बी हेयर वी हैव द सेकंड विल बी बी प्लस डी वन एंड बी प्लस टू डी वन इस फॉर्म में आ रहा है बी प्लस थ्री डी वन ये उसका डी टू लिया कॉमन डिफरेंस वी हैव टेकन डी टू सो कॉमन डिफरेंस वी टेक हेयर डी टू ओके ये सेकंड एपी बन गई आपके पास सेकंड एपी। तो सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म मैंने बी लिया और कॉमन डिफरेंस डी टू लिया। अब देखो इसमें आगे फिर अपने चलते हैं तो ए टू विल बी हेयर अपॉन बी टू सो दैट विल बी इक्वल टू 1/4 तो 1/4 के इक्वल आ रहा है सो ए टू इज द नथिंग दिस इज द सम ऑफ द टू टर्म्स दैट इज डी वन सो वी हैव डी वन अपॉन सो हेयर वी हैव द सम ऑफ द टू टर्म्स दिस इज टू बी प्लस डी टू इस फॉर्म में आ रहा है क्लियर है। तो अब हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हेयर वी हैव दिस इज 4d1 माइनस डी टू इज इक्वल टू 2b इस फॉर्म में आ गया। तो नेक्स्ट देखते हैं फिर अपने पास में फॉर द a3 upon b3 ऐसे ले लेंगे सो हेयर यू विल गेट द सम ऑफ द व्हाट फर्स्ट थ्री टर्म्स दिस वी हैव हेयर तो तीन टर्म्स का सम क्या हो गया 3d1 अपॉन नीचे आपके पास में क्या आएगा 3b प्लस 3d2 इस फॉर्म में आ गया सो हेयर वी पुट हेयर दी 3 सो वी गेट हेयर 1/3 तो इधर 1/3 तो सेकेंड इक्वेशन आपके पास में किस फॉर्म में बन गया यहाँ पे सो वी हैव दिस इज 3d1 माइनस d2 इज इक्वल टू बी ये इस फॉर्म में आ गया। इसको दोनों को सॉल्व कर लेते हैं इफ यू सिंप्लीफाई दिस टू सो 3d1 माइनस d2 बी सो हियर वी हैव d1 इज इक्वल टू बी तो d1 आपके पास में किसके इक्वल आ गया बी के इक्वल आ गया सो यू कैन फाइंड आउट द d2 सो पुट हियर वी हैव सो d1 बी सो दिस विल बी d2 इज वी हैव 2b तो d2 हमें पता लग गया 2b हो गया। तो सेकेंड एपी आपके पास में क्या हो गई सेकेंड एपी वी हैव हेयर सो बी दिस इज 3b ओके सो हेयर वी हैव d2 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपके पास में 5b इस तरीके से आ रहा है ओके अब अपने को देखो वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है नाउ वी हैव द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एपी वी हैव द बी एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द सेकेंड एपी वी 2b एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकेंड एपी बी तो हमने सारे जो टर्म्स हैं वो देखो किसके टर्म में निकाल लिए बी के टर्म में निकाल लिए तो यहाँ पे आपके पास में a3 a5 a6 दिस इज 2d1 तो ये 2d1 आएगा ये दिस इज 4d1 दिस इज 6d1 ये 12d1 बनेगा यहाँ पे ओके तो यहाँ पे आपके पास में 12d1 बन जाएगा ऊपर आपके तो देखो इसमें 12d1 यहाँ पे 12 सो 2d1 4d1 6d1 सो 12d1 ओके सो हेयर वी हैव b3 सो b3 इज द थर्ड हेयर थर्ड टर्म b3 इज वी हैव 5b एंड व्हाट इज द b9 दैट विल बी b प्लस 8d2 सो 8d2 यू नो द व्हाट d2 इज वी हैव द 2b सो दैट इज 16 तो यहां पे आपके पास में क्या बना सो दिस इज वी हैव सो थर्ड टर्म वी हैव सो 5b तो इसको देखो अपने अगर कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे 3 सो b3 विल बी हियर वी हैव बी दैट इज 2d2 अब इसमें आपके पास में 2d2 की वैल्यू डालोगे तो आपके पास में क्या आएगा d2 की वैल्यू कितनी है 2b सो दिस वी हैव सो b3 सिंपली यू कैन हियर राइट डाउन दिस बी एंड बी प्लस 2d2 सो यहाँ पे d2 की वैल्यू कितनी है 2a सो दिस इज 5b ओके ये
इस फॉर्म में आ रहा है। सो यहाँ पे आपके पास में बी टू बी नाइन कितना हो गया, बी नाइन दिस बी एंड वी हैव एट डी टू दिस इज 17B, तो 17B आ गया, इस फॉर्म में रख लिया। तो नेक्स्ट वन यहाँ पे आपके पास में ए फोर दिस इज 3D1 एंड 9D1 दिस इज 12D1 ओके। सो नाउ बी टू वी हैव दिस इज बी टू मीन्स इट्स सेकेंड टर्म दिस इज 3B एंड इनटू में 2 सो B10 क्या होगा आपके पास में, B10 हियर बी प्लस वी हैव 9D2 सो दैट इज 18 सो 18 हियर वी हैव सो B10 यू कैन फाइंड आउट दैट्स बी प्लस 19 दैट विल बी 19B सो आपके पास में टोटल ये कितना आ जाएगा आपके पास में हियर वी हैव सो 18 दिस इज 19B तो ये 19B बन गया यहाँ पे 19B सो D1 यू नो D1 इक्वल टू यू नो द बी इज इक्वल टू बी सो दिस इज 4 एंड दिस इज 6 ओके। यहाँ पे आपके पास में 4D1 दिस इज 4B अपॉन 22B एंड दिस इज ऑल्सो वी हैव 6B एंड 22B सो बी वी कैंसल हियर वी हैव सो दिस इज 10/22 सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव 5/11 सो तो आंसर आपका क्या बना 5/11। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फोर्थ क्वेश्चन आपका डेफिनेट इंटीग्रल का है सो हैविंग द लिमिट फ्रॉम 0 to 10 सो यू नो द एट एवरी इंटीजर सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या वो चेंज हो जाती है। तो देखो इसको अपने लिमिट को ब्रेक करेंगे एट एवरी इंटीजर सो दिस यू कैन राइट डाउन 0 to 1 सो इट्स वैल्यू विल बी 0 सो फ्रैक्शन पार्ट हेयर वी हैव 1 to 2 दिस 1³ फ्रैक्शन पार्ट एक्स ऐसा आएगा सो हेयर वी हैव 2 to 3 सो 2³ सो हेयर वी हैव 3 to 4 सो 3³ फ्रैक्शन पार्ट एक्स इस फॉर्म में चल रहा है। लास्ट में आपके पास में क्या आएगा 9 to 10 सो दिस विल बी 9³ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स सो यू नो द पीरियड ऑफ द फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन इज 1 सो दिस इज 1 to 2 फ्रैक्शन पार्ट एक्स इज इक्वल टू इन दिस वे 9 to 10 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स दे आर ऑल इक्वल टू व्हाट वी हैव 1/2 तो ये आपके पास में 1/2 से देखो 0 से 1 तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन पार्ट दिस इज 1/2 तो सिमिलरली सो वी कैन टेक आउट दिस पार्ट इज कॉमन हियर 1³ + 2³ + 3³ इन दिस वे दिस 9³ इनटू 0 से 1 डेफिनेट इंटीग्रल फ्रैक्शन पार्ट हो गया इसकी वैल्यू आपके पास में 1/2 होती है सो वी नो दिस इज 9 × 10/2 होल स्क्वायर एंड दिस वी हैव 1/2 तो आपके पास में ये 5 आ गया सो दिस वी हैव 2 0 2 0 5/2 सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में देखो यहां पे मोर देन वन के क्वेश्चन है। ए बॉय हैज ए कलेक्शन ऑफ द ब्लू एंड ग्रीन मार्बल्स सो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स बिलोंग्स टू द सेट सो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स बिलोंग्स टू द सेट्स 2, 3, 4 अप टू कैस 13 इफ टू मार्बल्स आर सिलेक्टेड साइमल्टेनियसली दो मार्बल को सिलेक्ट किया जाता है एंड एट रैंडम फ्रॉम हिज कलेक्शंस सो देन द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव डिफरेंट कलर्स सो प्रोबेबिलिटी क्या है दोनों सिलेक्टेड मार्बल्स हैं दे आर हैविंग द डिफरेंट कलर सो द प्रोबेबिलिटी इज 1/2 तो प्रोबेबिलिटी किसके कुल है 1/2 के सो पॉसिबल नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स सो यू हैव टू टेल द व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स तो इसको देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे यहाँ पे आप तो पहले अपने लेट कर लेते हैं लेट्स अज्यूम दैट दी सो नंबर ऑफ रेड बॉल्स वी हैव टेकन हेयर दैट इज m ओके एंड नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स तो ये कैपिटल M में ले लेते हैं ना
नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स वी टेक दिस इज कैपिटल एन, इस फॉर्म में दे रखा है. सो देर आर द टू बॉल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम देयर, यू हैव टू सिलेक्ट द टू बॉल्स. सो द व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स देयर, एम प्लस एन, क्लियर है. सो एंड वी व्हाट इज द फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस द बोथ द बॉल्स मस्ट बी ऑफ द डिफरेंट कलर. सो प्रोबेबिलिटी दैट विल बी द एम सी वन इन टू एन सी वन अपॉन एम प्लस एन सी वन इज इक्वल टू वन अपॉन टू. ओके, यहाँ पे दो बॉल्स को आपने ड्रा किया ना, सो प्रोबेबिलिटी विल बी लाइक दिस. अब इसे देखें आगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे अपने. तो एम एन, सो वी हैव नंबर ऑफ रेड बॉल्स, वी हैव एम, सो यू रिक्वायर द व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ द ब्लू बॉल्स, ब्लू मार्बल्स. तो ब्लू मार्बल्स की अपने को बताना भी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है. इसको अपने फिर अपने सिंप्लीफाई करेंगे. सो दिस इज एम प्लस एन एंड एम प्लस एन माइनस वन, दिस इज टू, हियर वी हैव वन अपॉन टू. इसको सिंप्लीफाई करते हैं फोर एम एन. ओके, तो इसको फिर आगे एम प्लस एन होल स्क्वायर एंड माइनस एम प्लस एन, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एंड प्लस टू एम एन माइनस एम माइनस एन, इस फॉर्म में आ गया फोर एम एन. इसको मैं एम में क्वाड्रेटिक बनाता हूं. सो नंबर ऑफ बॉल्स विच आर सिलेक्टेड फ्रॉम द बैग या और अर्न, दे विल बी इन नेचुरल नंबर फॉर्म, नेचुरल के या तो दो तीन चार ऐसे ही आएंगे. तो आपके पास में देखो फर्स्ट वी मेक दिस इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ, उसके जो आपके पास में जो रूट्स होंगे दे विल बी इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू. तो देखो एम स्क्वायर एंड वी हैव दिस इज माइनस टू एम एन एंड माइनस टू एम एन एंड एम, सो एम कॉमन, सो एम कॉमन वी हैव हियर, सो टू एन प्लस वन. ओके, इस फॉर्म में आ गया, ठीक है. सो वी हैव एम स्क्वायर माइनस एन, ये हो गया. तो ये आपके पास में किस में क्वाड्रेटिक बना लिया मैं, वी हैव दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एम. सो हमें ये पता है कि जो बॉल्स जो मार्बल्स जो ड्रा की जाएंगी दे विल बी इन नेचुरल फॉर्म, नेचुरल नंबर फॉर्म, नेचुरल नंबर में आएंगी, दो तीन चार पाँच छः. अब इसके जो रूट्स हैं, रूट्स ऑफ दिस फॉर द एम, फॉर द रेड बॉल्स, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन मस्ट बी इंटीजर. फॉर द इंटीजर रूट्स यू नो द कोफिशियंट ऑफ एम स्क्वायर मस्ट बी यूनिटी एंड कोफिशियंट ऑफ एम मस्ट बी इंटीजर एंड दिस मस्ट ऑल्सो बी इंटीजर और एंड डी मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर. इसका डी क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. तो अपने फर्स्ट इसका डी फाइंड आउट करते हैं, व्हाट विल बी इट्स डी. सो डी विल बी हियर टू एन प्लस वन होल स्क्वायर एंड माइनस फोर एन स्क्वायर माइनस एन, ये आएगा. तो आपके पास में ये क्या बनेगा, फोर एन स्क्वायर, हियर वी हैव फोर एन, ओके, एंड प्लस वन, दिस इज माइनस फोर एन स्क्वायर प्लस फोर एन, सो दिस कैंसल्ड. सो वी हैव एट एन प्लस वन. सो फॉर मेकिंग दिस डी एज ए परफेक्ट स्क्वायर, सो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एन विच इज टेकन फ्रॉम द व्हाट, सो विच इज टेकन फ्रॉम दिस सेट, इस सेट से ली जाएंगी आपके पास में टू थ्री फोर, इससे लेना है अपने को. फिर इसमें कौन कौन सी वैल्यू नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स है विच मेक दिस परफेक्ट स्क्वायर. तो जैसे देखो आप इसमें थ्री रखते हो, एन इज इक्वल टू थ्री, ओके, सो दैट विल मेक इट परफेक्ट स्क्वायर. तो सिक्स विल मेक इट परफेक्ट स्क्वायर एंड टेन विल मेक इट परफेक्ट स्क्वायर. सो द नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स, तो क्या आपके पास में ब्लू मार्बल्स के क्या नंबर्स हो सकते हैं आपके पास में, देखें क्वेश्चन में. सो वी हैव द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स विल बी हियर, तो विच ऑप्शन इज हियर सेकेंड, तो देखो इसमें सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, सो दीज आर दी थ्री ऑप्शंस. तो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज जो फर्स्ट है वो आपका क्या है, एट एन प्लस वन को क्या नहीं बनाता, एन के लिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इफ साइन एक्स होल पर 6 प्लस कोस एक्स होल पर 6 ए साइन एक्स होल पर 4 प्लस कोस एक्स होल पर 4 ए बिलोंग्स टू आर हैज एटलीस्ट वन रियल सॉल्यूशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी करेक्ट। तो फिर आपका इनमें से कौन सा ट्रू हो सकता है। तो देखो पहले आप इसको सिंप्लीफाई करें। देखो आपको पता है ये 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स को स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। दिस इज ए वी हैव 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स को स्क्वायर एक्स, ठीक है, इस फॉर्म में आ गए। तो अब इसमें देखो आपके पास में इसको आप इधर लेकर आओगे तो वी हैव हियर सो 2a माइनस 3 इस फॉर्म में आ गया साइन स्क्वायर एक्स को स्क्वायर एक्स। दिस इज a माइनस वन इस फॉर्म में है। तो इसको अपने साइन स्क्वायर एक्स की फॉर्म में बना लेते हैं तो क्या आएगा आपके पास में साइन स्क्वायर 2x, सो 4a माइनस 1 अपॉन 2a माइनस 3 ये। तो यू नो दिस साइन स्क्वायर 2x इज ऑलवेज क्या लाइंग इन बिटवीन 0 एंड 1, सो दिस क्वांटिटी विल लाई इन बिटवीन 0 एंड 1। तो देखो अब इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 0 दिस लाइज इन बिटवीन 0 एंड 1। तो यहां से आपके दो पार्ट बन गए इनइक्वालिटी के, उन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो देखो पहले आप इसको सॉल्व करोगे तो यह हेयर भी है 4a माइनस 4 अपॉन 2a माइनस 3 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, सो दिस विल गिव दी 2a माइनस 1 अपॉन 2a माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। इससे आपको क्या मिला देखो, सो दिस विल लाई इन बिटवीन 1 अपॉन 2 एंड 3 बाई 2, ये रेंज मिलेगी आपके पास में। ए मस्ट लाई हेयर बिटवीन द 1 अपॉन 2 एंड 3 बाई 2, ओके फॉर दिस इनइक्वालिटी। अब दूसरी तरफ देखो आपके पास में 4a माइनस 1 अपॉन 2a माइनस 3 दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके लिए फिर आपके पास में क्या रहेगा, ए विल बी व्हाट, सो हेयर वी हैव सो ए विल बी ग्रेटर देन 3 बाई 2 एंड लेस देन 1, तो ये वाला रेंज रहेगा, ओके। तो दोनों का अपने को इंटरसेक्शन लेना है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो यहाँ से देखो आपके पास में ये 1 से कम हो गया, ओके, इधर की तरफ ये रेंज रहेगी और उधर आपके पास में 3 बाई 2 से ये नहीं लेना। तो आपके पास में क्या आएगा यहाँ पे a बिलोंग्स टू बी हैव हियर 1 बाई 2 टू 1, ये क्लोज इंटरवल आएगा बिकॉज बोथ द क्रिटिकल पॉइंट्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम न्यूमरेटर, ये भी न्यूमरेटर से ये भी न्यूमरेटर से, एक तो ये ऑप्शन बनेगा। तो देखो आपके पास में सेकेंड ऑप्शन बन गया एक तो, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन बन गया। अब इसमें देखो आपको कहता है इफ a इज इक्वल टू 1, इफ a इज इक्वल टू 1 देन वी फाइंड आउट इट्स सॉल्यूशन साइन 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स एंड दिस विल बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ओके इस फॉर्म में आएगा। तो दिस विल बी गेट कैंसल्ड, वी हैव साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पे आपके पास में साइन स्क्वायर 2x दिस इज इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल आ गया। तो आपके पास में साइन स्क्वायर एक्स 2x इज इक्वल टू 0, दिस वी कैन राइट डाउन हियर 2x इज इक्वल टू वी हैव n pi होगा तो x इज इक्वल टू क्या हुआ n pi बाई 2, सो हियर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ओके। तो थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, फॉर a इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, a इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 के लिए देखो आपके पास में इस फॉर्म में आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स को स्क्वायर एक्स, सो दिस यू कैन राइट ऑन 1 अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को स्क्वायर एक्स इस फॉर्म में आएगा। इसको उधर ले जाए तो दिस 1 अपॉन 2, सो दिस वी हैव 2 साइन स्क्वायर एक्स को स्क्वायर एक्स इस फॉर्म में आ गया। तो साइन स्क्वायर एक्स इसको फिर आप उस फॉर्म में चेंज करें, सो 1 अपॉन 2 सो वी राइट डाउन दिस इज साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1, तो आपको पता है साइन स्क्वायर पाई बाई 2 हियर, सो वी हैव हियर 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, सो व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, वी हैव x इज इक्वल टू n पाई अपॉन 2 प्लस माइनस पाई बाई 4। तो थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, हियर वी हैव द थ्री ऑप्शंस हियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपके पास में क्या है, टू सर्कल C1 C2 बोथ पास थ्रू द पॉइंट A1, 2 एंड E2, 1 एंड टच द लाइन, एक लाइन को टच करते हैं 4x-2y = 9 एट B एंड D, B और D पे टच करते हैं रिस्पेक्टिवली, द पॉइंट C लाई ऑन, द पॉइंट C उसी प्लेन में है सच दैट द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है, तो यू हैव टू आंसर, तो इसमें बताना है कि C लाइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो C किस किस पे लाई करता है, तो आपके पास में दो सर्कल है, पहले दोनों सर्कल कहाँ से पास होते हैं, दिस पासेस थ्रू द ए एंड ई, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी है दिस इज 1, 2 एंड दिस इज 2, 1, ओके, सो दिस लाइन एक्ट एज ए रेडिकल एक्सिस, रेडिकल एक्सिस का काम करेगी, एंड बोथ दिस सर्कल टचेस दिस लाइन, किस लाइन, इस लाइन को टच करते हैं किस पॉइंट पे, बी और डी पे, सो इट्स इक्वेशन भी है 4x-2y = 9, ये इक्वेशन है आपके पास में, सो वी एज वी नो दैट दी दिस एक्ट एज ए रेडिकल एक्सिस, इट विल बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट ऑफ बोथ दी सर्कल, ये बाइसेक्ट करेगा आपके पास में, तो ये आपका इसका मिड पॉइंट हो गया, ओके अब इसमें देखो अपने को यहां पर इसके कोऑर्डिनेट निकालने, यू हैव टू फाइंड आउट दी, एंड देयर इज अ पॉइंट सी, देयर इज अ पॉइंट सी इन दिस प्लेन, सो दे आर फॉर्मिंग हियर द क्वाड्रिलेटरल, दिस क्वाड्रिलेटरल यू नो इज द पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम बन रहा है, दिस इज सी, अब ये देखो दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, बीडी, इसको ई पॉइंट ले लेते हैं, तो अपने इक्वेशन ऑफ निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ ए ई, इक्वेशन ऑफ ए ई क्या आ रहा है, इक्वेशन ऑफ ए ई, इक्वेशन ऑफ ए ई वी हैव हियर, सो वाई माइनस वन एंड दिस इज 2-1 एंड x-2, ओके, सो स्लोप ऑफ दिस वी हैव द -1 एंड दिस वी हैव टेकन y-1 एंड दिस x+y एंड +2 दिस इज -3, ये हमें इसका इक्वेशन पता लग गया, नाउ ये अब हम क्या पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, पैरेललोग्राम, मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल बीडी, इसका मिड पॉइंट है, तो अब इसको देखो आप दो से मल्टीप्लाई करो, सो 2x+2y - 6 = 0, यहाँ पे 4x-2y - 9 = 0, ओके, इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो 6x, सो दिस इज 15, सो x इज इक्वल टू वी हैव हियर, सो 3 की टेबल से कटता है 5/2, ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, यहाँ पे पुट करें इसमें देखो आपके पास में क्या आ रहा है, सो 5 दिस इज -1 एंड y इज इक्वल टू 1/2, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ e वी हैव 5/2 एंड 1/2, सो यू कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट c, तो इस कोऑर्डिनेट के पॉइंट a के पॉइंट e के कोऑर्डिनेट्स का ट्वाइस में से इसको सबट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट c के कोऑर्डिनेट मिलेंगे, तो देखो इसके ट्वाइस में से आप इसको सबट्रैक्ट करोगे तो वी हैव c ट्वाइस ऑफ दिस 5-1 दैट इज 4 एंड ट्वाइस ऑफ दिस 1-1 विल बी हैव -1, अब ये पॉइंट देखो किस किस को सेटिस्फाई करता है, अगर आप इसमें रखते हो दिस विल सेटिस्फाई इट, ऑप्शन फर्स्ट, एंड वी पुट हियर c, सो 16-2 दैट इज आल्सो सेटिस्फाइड, ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है, एंड दिस c पॉइंट आल्सो सेटिस्फाइंग इट, सो वी हैव हियर 3 ऑप्शंस, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपके पास में ये फंक्शन का क्वेश्चन है एंड डेफिनेट इंटीग्रल का है, इसे देखें थोड़ा सा ध्यान से, सो यहाँ पे फंक्शन fx है हैविंग द टू डेफिनेशंस हियर, आपके पास में फंक्शन fx की दो डेफिनेशन है, फ्रॉम 0 to 1 दिस इज x+1 एंड फ्रॉम 1 to 2 सो वी हैव दिस इज क्वाड्रेटिक, ओके, एंड नाउ t varies from here 1 to 2. t कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 2 है. तो function g t is given by t minus 1 to t and fx dx. तो ये definite integral है यहाँ पे. So which of the following hold good? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है. तो अब अपने पहले देखो इसका अगर अपने graph बनाते हैं,
तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा देखें थोड़ा सा ध्यान से. फंक्शन आपके पास में एफ एक्स यू नो एक्स प्लस वन, ये एक्स प्लस वन है एंड दिस वी हैव टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्स. दिस इज वेरी फ्रॉम जीरो टू वन, ये जीरो से वन है और ये कहां तक है वन से टू तक, ऐसा है वन से टू है. अब इसमें देखो जीरो पे वैल्यू कितनी आ रही है, वन आ रही है और जीरो पे वन, और वन पे क्या आ रही है टू आ रही है, ऐसे जा रहा है. तो स्लोप ऑफ द ग्राफ भी है वन. सो फर्दर दिस इज द क्वाड्रेटिक, एक क्वाड्रेटिक आ रहा है आपके पास में. ओके एट एक्स इज इक्वल टू वन वी हैव दिस इज टू एंड व्हाट इज इट्स वर्टेक्स, वर्टेक्स वी हैव इसका डिफरेंशिएशन कर दो. सो फोर एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, सो दैट एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई टू. सो थ्री बाई टू पे इसका वर्टेक्स बनेगा ऐसे, तो ये वर्टेक्स बन गया ऐसे. ठीक है तो ये कर्व आपके पास में ऐसा हो गया. तो एट एक्स इज इक्वल टू टू भी है, अगेन इट्स वैल्यू भी है टू, सो दिस इज वन कोमा टू, इस फॉर्म में आ रहा है. अब देखो आपके पास में यहां पर क्या है, देर आर द टू फॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन. फ्रॉम जीरो टू वन दिस वी हैव एक्स प्लस वन एंड फ्रॉम वन टू टू वी हैव दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. तो ऐसे फिर आपके पास में देखो टी माइनस वन कहां से कहां तक वेरी करेगा. तो माइनस वन करें तो यहां पे क्या आएगा, दिस इज जीरो टू वन. ओके तो मैं इसको पहले ब्रेक करूंगा जी टी को, जी टी को फाइंड आउट करने के लिए. सो टी माइनस वन वेरीज फ्रॉम वट, सो फ्रॉम हियर वी हैव टी माइनस वन टू वन, क्योंकि ये जीरो से शुरू हो रहा है. फिर आपके पास में टी माइनस वन यू नो दिस जीरो टू वन, सो फंक्शन विल बी हेयर. सो जी टी विल बी हेयर इन दिस फॉर्म, देखो कैसा आएगा. सो टी माइनस वन टू वन एंड वी हैव हेयर एफ एक्स प्लस वन टू टी, सो वन टू टी वी हैव, टी वेरीज फ्रॉम हेयर, टी गोज अप टू वट टू, सो फंक्शन विल बी पुट हेयर, दिस इज एफ एक्स डी एक्स. तो यहां पे आपके पास में t कहां तक जाता है, t goes up to what 2, so from when x, here we have the x varies from, x कहां तक वेरी कर रहा है आपका, 1 से लेकर t तक जा रहा है and t varies goes up to what 2, so corresponding to this we have function भी है, ये function यूज करेंगे अपने. तो यहां पे देखो आपके पास में तो fx क्या आ रहा है, fx, तो function क्या आपके पास में, देखो पहला पार्ट तो इसका देखो, function fx is continuous and differentiable in 0 to, तो फंक्शन क्या है, इज नॉट डिफरेंशियबल एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1, तो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, ये नहीं हो सकता क्योंकि 1 पे देखो इसमें शार्प एज आ गया, तो 1 पे डिफरेंशियबल नहीं है. अब अपने जी टी की बात कर रहे हैं तो यहां पे देखो इसमें क्या रखेंगे अपने, सो दिस इज टी माइनस 1 टू 1, सो दिस वी हैव x प्लस 1. ओके इधर आपके पास में सो दिस इज 1 टू टी, 1 टू टी भी है, दिस इज 2 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, इस फॉर्म में आएगा ये. इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं, यहां से इसका इंटीग्रेशन बनेगा आपके पास में x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x. तो लिमिट कहां तक है, t माइनस 1 से 1. ओके तो यहां फिर इसका आपके पास में बनेगा, सो 2x क्यूब अपॉन 3 माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 6x. लिमिट कहां है, 1 टू t, इस फॉर्म में. इसमें जब आप दिस जी टी, तो जी टी निकालोगे तो क्या ऑप्शन बनता है आपके पास में, देखो किस तरीके से आएगा वो 3 अपॉन 2, सो दिस वी हैव 3 अपॉन 2 एंड माइनस t माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस t माइनस 1, इस फॉर्म में आ रहा है. ओके तो उधर देखो आपके पास में क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 टी क्यूब अपॉन 3 माइनस 6, ये 3 टी स्क्वायर हो गया एंड दिस इज 60 एंड माइनस 2 अपॉन 3 एंड 3 6, इस फॉर्म में आया. अब इसको अपने सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास में क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 बाई 2 वी हैव, सो टी स्क्वायर माइनस 2 टी एंड प्लस 1, दिस इज प्लस 2 टी एंड माइनस 2, सो वी हैव हेयर 2, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास में, तो यहाँ पे माइनस 1 आएगा, तो माइनस 1 दिस वी हैव
इसको फिर आप सिंप्लीफाई कर लेते हो, 2t³/3 − 3t² एंड दिस वी हैव माइनस प्लस का 3, तो प्लस का 3 यहाँ से −11/3 आ गया, −11/3, सो दिस इज 60 एंड −11/3 इस फॉर्म में आ गया। तो यहाँ से आपके पास में जी टी देखो किस फॉर्म में है, सो दिस वी है 1/2 −1/2 दिस इज 2 एंड −t² / 2 ये आ गया। इधर आपके पास में 2t³/3 −3t² एंड +60 एंड −11/3 ओके। तो अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2t³/3 सो दिस वी है −7t² / 2 एंड +60 एंड दिस वी हैव 6 − 11 दैट इज माई 5/3 ये आपके पास में जी टी आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या पूछा है उसमें। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जी डैश वेनिशेज एट t = 3/2 and 2, तो उसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। जी टी इज मैक्सिमम एट t = 3, t = 3/2 एंड जी टी इज मिनिमम एट t = 1 ओके। अब इसमें देखें तो उसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो जी टी का अपने डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, जी डैश टी सो दिस वी हैव 2t² एंड दिस वी हैव −7t + 6 ओके। इसके फैक्टर करेंगे तो देखो क्या आ रहा है आपके पास में, 2t² एंड −4t − 3t + 6 = 0 सो यहाँ से t = क्या आ रहा है, 2 आ रहा है एंड वी हैव t = 3/2 ओके। तो अब अपने इसका डबल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डबल डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है आपके पास में, टी यू नो वेरीज फ्रॉम व्हाट, कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है आपके पास में, 1 से 2 तक वेरी करता है। अब इसमें देखो ये आ गया आपके पास में कितना, 4t − 7 सो 4t = g" (t) 3/2 ये देखते हैं अपने पास में क्या आ रहा है, यहाँ पे 6 − 7 दिस इज नेगेटिव, सो t = 3/2 पे इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, मैक्सिमम मिलेगी। तो देखो एक तो क्या, t = 3/2 पे इट्स वैल्यू विल बी मैक्सिमम एंड वी हैव ऑब्टेंड हियर दी टू वैल्यूज ऑफ टी वेयर दी जी डैश टी इज 0, तो सेकेंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन। सो एज यू नो दी टी वेरीज फ्रॉम वट, दिस इज द क्लोज इंटरवल, आपको क्लोज इंटरवल दिया हुआ है टी के लिए 1 से 2, तो आपको क्या है जो जो स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं उस इंटरवल में उस पे और उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स पे वैल्यू चेक करेंगे, किसकी, जी टी की। तो जी टी की देखो आपके पास में जो वैल्यू उसकी चेक करोगे तो यहाँ पे 1 पे देखो और 3/2 पे तो आपको मैक्सिमम मिल रही है और 2 पे और चेक करोगे तो आपको 2 पे ज़्यादा मिलेगी, तो जी 1 पे देखो कितना आ रहा है इसमें आपके पास में, 2/3 एंड 7/2 एंड दिस इज 6 एंड −5/3 सो दिस इज −5/3 एंड दिस −1 एंड 5 − 7/2 ऐसा आ रहा है, तो दिस विल बी है 3/2 ये 3/2 मिल रहा है आपको। तो 2 पे देखो आपको वैल्यू नेचुरल सी बात है 2 पे आपको ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे, सो 2 पे आप चेक करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी इसकी, ज़्यादा मिलेगी। सो यू विल हैव द मिनिमम वैल्यू एट t = 1 तो सिंपली आप देखो यहाँ पे क्या करोगे, तो 8 आएगा 16 / 3 = 5 यहाँ पे 2 डालोगे तो दैट इज 12 ठीक है। तो यहाँ पे 8 16 5 point something हो गया 12 17 हो गया 17 यहाँ पे 2 डाला तो आपके पास में कितना हुआ 2 डाला तो इधर 4 सो दिस इज 14 सो 14 इधर आपके पास में क्या आएगा तो 5/3 सो दिस विल बी मोर देन व्हाट 3/2 से 3/2 से ज़्यादा होगा ओके। तो ऑप्शन आपके पास में क्या हो गया सो फोर्थ ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी टी इज मिनिमम एट t = 1 तो नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में लेट ए बी सी बी द 3 points 3 sets ए बी सी बी द क्या 3 sets ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स सो एज डिफाइंड एज तो किस तरीके से दिया हुआ है सो मॉडुलस ऑफ z + 1 इज लेस देन इक्वल टू 2
plus real part of z, and then modulus of z minus 1 greater than equal to 1. And further we are given that this set C is composed of what? Complex number. Kaise complex number hai? Which satisfy the this condition. Wo isko satisfy karte hun. To dekho pehle apne yahan se dekho z ko main kya let kar leta hun? X plus I to y. Ye let kar liya. To isme dekho ye condition hai z plus 1 less than equal to 2. And we have modulus of z minus 1 greater than equal to 1. And modulus of z minus 1 upon z plus 1 is greater than equal to 1. तीनों से आपके पास में देखो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ व्हाट जेड यस है. तो तीनों से आपके पास में देखो कुछ एक्स वाई में रिलेशन आएगा. ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में क्या है एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो स्क्वेयरिंग करेंगे दिस विल बी हेयर टू प्लस एक्स होल स्क्वायर ऐसा आ जाएगा. इसको सिंप्लीफाई किया तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपके पास में. हेयर यू विल गेट फोर एक्स, यहाँ पे टू एक्स आएगा. देखो इसको 4 y square we have here, 4x here we have 2x less than equal to what we have 2x plus 3 ऐसा आ रहा है. ठीक है, तो यहां से x square कैंसिल हो जाएगा, 4x आएगा तो प्लस का 2x आ जाएगा इधर 1. सो y square इज लेस देन इक्वल टू 2x plus 3. सो दिस इज अ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज माइनस 3 अपॉन 2 एंड इट्स माउथ जो होगा दैट विल बी इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. इसकी बात करते हैं, देखो ये आपके पास में x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ऐसा ही आएगा. सो दिस शोज द रीजन ऑफ दोज कॉम्प्लेक्स नंबर विच लाइज आउटसाइड ए सर्कल हुज सेंटर इज 1,0 एंड रेडियस इज 1. तो ये z जो होंगे उस रीजन में लाई करेंगे जो सर्कल से बाहर होंगे, जिसका सेंटर कितना है 1,0 और रेडियस 1 है. इससे आपके पास में क्या मिल रहा है x माइनस वन प्लस साइटा वाई, ये आएगा स्क्वेयर. ठीक है ना, इसमें मॉडुलस दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू वी हैव x प्लस वन प्लस साइटा वाई. ठीक है, इसका जब मॉडुलस आप निकालोगे तो देखो वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर तो वो कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे आपके पास में एक्स स्क्वेयर कैंसिल होगा, यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा माइनस टू एक्स, इधर से प्लस का 2x. सो वी हैव हियर x इज लेस देन इक्वल टू 0. तो यू हैव टू टेक इन सेट C दोज कॉम्प्लेक्स नंबर हुज रियल पार्ट इज नेगेटिव, जिसका रियल पार्ट नेगेटिव और इक्वल टू 0. तो देखो एक्चुअल में देखो अब इसको अपने डायग्राम में शो करते हैं. सो वी शो देम इन टू डायग्राम. तो डायग्राम में कैसे शो करेंगे, तो बेटा ये आपके पास में क्या है पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा. देखो इसका वर्टेक्स क्या आपके पास है, दैट शोज द रीजन इनसाइड द पैराबोला. तो देखो ऐसा डायग्राम बनेगा, ये यहां पे इसका वर्टेक्स क्या है -3, -3/2,0. ओके, सो दिस इज अ सर्कल हु सेंटर इज 1,0 एंड रेडियस इज 1 ऐसा आ गया, इस टाइप का आ गया. इसके बाहर वाला रीजन हो गया. ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास में इफ यू पुट x इज इक्वल टू 0 हियर वी हैव द कोऑर्डिनेट्स इज 0√3 एंड इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0-√3 इस फॉर्म में आ रहा है. सो हियर वी हैव 0 0. ओके, तो यहां पे पॉइंट क्या आएगा आपके पास में 0,1. अब ये पॉइंट क्या है √3 यू नोट दी 1.713 जो भी है. तो इधर आपके पास में हेयर वी हैव 0-1. ओके, इधर पॉइंट आपके पास में क्या आएगा -1,0. सो हेयर वी हैव, सो इधर आपके पास में एक पॉइंट और मिल जाएगा आपको, दैट विल बी -1,1. क्योंकि -1,1 दैट लाइज इन साइड दी, इसमें जब आप रखोगे ना तो देखो आपके पास में नेगेटिव ही मिलेगा. सो हेयर वी हैव -1-1. तो आपके पास में कितने पॉइंट आ रहे हैं आपके पास में यहाँ पे विच लाइज इन दिस रीजन, ये रीजन हो गया आपके पास में कॉमन. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो देर आर दिस 6 पॉइंट्स विच आर कॉमन टू ऑल दिस 3 सेट्स, तीनों सेट्स में कॉमन होगा. देखो दिस रीजन शोज द एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड दिस रीजन ऑल्सो सेटिस्फाइड बाई दिस. ओके, एंड यू हैव टू टेक द हियर द सेट ऑफ दी दोज कॉम्प्लेक्स नंबर विच आर लाइज आउटसाइड दिस सर्कल, वो इधर इधर वाले होंगे सारे के सारे. ठीक है,
तो आपके पास में 6 पॉइंट्स आ गए. सो देर आर 6 पॉइंट्स विच लाइज इन दिस रीजन. सो आपके पास में ऐसे 6 पॉइंट्स हो गए जिनके दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या आपके पास में इंटीजर्स हैं. तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है. सो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैविंग इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स इन द रीजन एक्सीड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे बड़े होते हैं. तो आपके पास में यू नो सो एक्सीड्स विच ऑफ द फॉलोइंग. सो 6 इज यू नो द ग्रेटर देन व्हाट 4 एंड 5. तो 4 एंड 5 से बड़े हैं. तो आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का फिर आपके पास में. सो वी हैव फर्स्ट एंड सेकंड. नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या पूछा है आगे. तो नेक्स्ट में देखो आपको पूछा है इसमें सेकंड पार्ट में द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस. तो एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस रीजन इज वी हैव दिस वन. ये रीजन हो गया आपके पास में ये वाला विच लाइज इन विच इंटरवल. तो आपको बताना है किस इंटरवल में वो लाई कर रहा है ना. तो देखो तो इस सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इस फॉर्म में. तो अपने यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं. सो वी टेक द लिमिट फ्रॉम -3/2 से 0. ओके सो व्हाट इज द एरिया. एरिया रिक्वायर्ड क्या हुआ फिर आपके पास में. एरिया रिक्वायर्ड भी है -3/2 से 0. ओके सो दैट इज गिवन बाय द 2x प्लस 3 अपॉन सो वी हैव दिस अंडर 2x प्लस 3 आएगा. ओके सो इसका ट्वाइस करना है. सो दिस विल बी dx. तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो व्हाट विल बी इट्स वैल्यू. हियर वी हैव 2. सो दिस वी हैव 2x प्लस 3 होल इज पर 3 अपॉन 2 एंड दिस इज 3/2. लिमिट कहां से कहां. -3/2 से 0. ओके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में 4/3 0 अप्लाई करते हैं तो देखो क्या आएगा. हियर भी है सो -3/2 पे तो 0 हो जाएगा ये ना. तो ये तो देखो इसको 0 सो 3/ यहाँ पे 4 आएगा अपॉन में 3 इस फॉर्म में ना. ठीक है तो इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास में किस 4 वी है. सो दिस वी हैव 3√3. ओके तो ये कैंसिल हो गया. ये हमारे पास में जब इसका अपने जब इंटीग्रेशन करा था यहाँ पे x का कोफिशियंट है वो भी नीचे आएगा यहाँ पे 2. ओके तो ये यहाँ पे 2 इसका रह गया इसमें लगा लो ना. तो इसमें आपके पास में यहाँ पे 2. सो वी हैव हियर दिस इज 2. सो व्हाट इज द एरिया. सो 2√3. ओके सो आंसर वी हैव 2√3. सो 2 इंटू 1.713 जो भी आ रहा है 3.1 जो भी है. सो दिस इज 3.4. सो 3.4 लाइज इन विच इंटरवल. सो दिस एरिया लाइज इन विच इंटरवल वी हैव हियर. सो फर्स्ट ऑप्शन में एंड थर्ड ऑप्शन में. सो 3.4 डज नॉट लाई इन दिस इंटरवल. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव. इससे आपके पास में क्या क्या आंसर हो गए. तो 3.4 lies in these two intervals. So next question देखें. अब इसमें क्या consider the function fx such that. So we have the this is function is given in this form. fx is equal to x square having the definite integral limit having limit from 0 to 1 x plus t into ft dt. So minimum value of fx क्या कह रहा है minus a upon b. So then मिनिमम वैल्यू ऑफ. सो देन वी हैव सो व्हाट रिजल्ट इज ट्रू. तो कौन सा अपने को देखना भी कौन सा सही है. ओके तो देखो अब इसमें कैसे करेंगे. तो पहले अपने को फंक्शन फाइंड आउट करते हैं. तो फंक्शन देखो एफ एक्स इज इक्वल टू वी हैव एक्स स्क्वायर 0 से 1 यहाँ पे एक्स प्लस टी एफ टी डी टी इस फॉर्म में. तो इसको देखो अपने आगे इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू वी हैव एक्स स्क्वायर. सो दिस वी हैव एक्स एंड लिमिट ऑफ द टी इज गिवन. सो टी यहां पे वेरिएबल हो गया ना. तो यहां पे एफ टी प्लस 0 से 1 टी एफ टी. ठीक है
ये आपके पास में a है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, इसको लेट कर लेते हैं a, इसको b लेट कर लिया, तो हमारे पास में फंक्शन देखो किस फॉर्म में आ गया, हेयर भी है फंक्शन भी है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। अब अपने को a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखो a और b किस फॉर्म में आ रहा है आपके पास में, सो ए वी हैव हेयर किस फॉर्म में है, जीरो से वन एंड एफ टी डी टी, ये है ना a। तो यहाँ पे देखो एफ टी मीन्स यहाँ पे इसकी वैल्यू डालनी है अपने को, देखो क्या आएगा, सो जीरो से वन, सो वी हैव हेयर टी स्क्वेयर ए टी प्लस बी डी टी, इसको सिंप्लीफाई किया तो टी क्यूब अपॉन थ्री प्लस ए टी स्क्वेयर अपॉन टू प्लस बी टी, ओके जीरो से वन। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई ए और बी में, तो वी है वन अपॉन थ्री प्लस ए अपॉन टू प्लस बी, ये आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लिया आपने दो ए, सो दिस इज ए, ठीक है, तो इधर सो वी हैव ए बाई टू एंड माइनस बी वन अपॉन थ्री, तो एलसीएम लेंगे तो सिक्स आएगा आपके पास में, इधर से थ्री आ जाएगा, सो दिस इज थ्री ए माइनस सिक्स बी एंड इज इक्वल टू टू, एक इक्वेशन ये आ गई, इसको इक्वेशन नंबर वन। नाउ व्हाट इज द बी, बी वी हैव हियर बी इज वी हैव जीरो टू वन टी एफ टी डी टी, ये आपके पास में इसकी वैल्यू डालो अब आपके पास, सो दिस वी हैव टी टी स्क्वेयर प्लस ए टी प्लस बी, इस फॉर्म में डी टी, यह आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आ रहा है आपके पास में, टी क्यू अपॉन थ्री प्लस ए टी स्क्वेयर अपॉन टू प्लस बी टी, सो लिमिट फ्रॉम जीरो टू वन, तो यहाँ से आपके पास में क्या आ रहा है, वन अपॉन थ्री ए अपॉन टू बी, ये अब इसको फिर ये बी के इक्वल है, तो यहां से बी टी था इसका इंटीग्रेशन, सॉरी बी बी स्क्वेयर बी टी स्क्वेयर, तो इधर आपके पास में इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, टी स्क्वेयर टी क्यू, तो टी क्यू, इसमें थोड़ा सा यहां गलती हो गई, इसको देखो जीरो, इधर क्या हुआ, पहले इसका टी क्यूब फिर ए टी स्क्वेयर प्लस बी टी, ओके अब इसका क्या है, इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन करके इसका लिमिट लगा दिया, तो लिमिट देखो फिर किस फॉर्म में आएगा आपके पास में, टी अपॉन फोर, हियर वी हैव ए टी क्यूब अपॉन थ्री बी टी स्क्वेयर अपॉन टू, सो लिमिट भी है फ्रॉम जीरो टू वन, जीरो से वन है, तो अब इसमें इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बी क्या आ रहा है आपके पास में, देखो किस फॉर्म में हो गया, वन अपॉन फोर एंड वन अपॉन ए अपॉन थ्री एंड बी अपॉन टू, ये रहेगा, इसको फिर आगे अपने सो बी अपॉन टू माइनस ए बाई थ्री वन अपॉन फोर, ओके सो व्हाट इज द एलसीएम, एलसीएम भी है 12, तो 12 आ रहा है आपके पास में, इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो आपके पास में दिस इज सो वी हैव सिक्स बी माइनस फोर ए एंड दिस इज थ्री, तो यहाँ से आपके पास में फोर ए माइनस सिक्स बी, इसको पलट दिया तो माइनस थ्री, इस फॉर्म में आ गए, तो ये आपके पास में क्या हुआ, फोर ए माइनस सिक्स बी एंड माइनस थ्री, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल हैव ए इज इक्वल टू, वी हैव हियर सो ए इज इक्वल टू माइनस फाइव, जब ए की वैल्यू माइनस फाइव मिल गई, ए की वैल्यू माइनस फाइव डालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो बी इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन उधर सेवनटीन, बी इज इक्वल टू माइनस सेवनटीन अपॉन सिक्स, ओके सो वी हैव ऑब्टेन्ड हियर एफ एक्स, एफ एक्स मिल गया आपको, देखो एफ एक्स एफ एक्स वी हैव इक्वल टू व्हाट, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सेवनटीन अपॉन सिक्स। एक्चुअल में देखो हमें क्या है, ये फंक्शन निकालना, मेन क्वेश्चन ये फंक्शन निकालने का था, जब फंक्शन निकल गया तो आप क्वेश्चंस के आंसर आप इजीली दे सकते हो, तो आपके पास में देखो इसका एफ डैश एक्स करोगे, सो व्हाट इज इट्स मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू यू नो दिस इज फोर ए सी माइनस बी स्क्वेयर अपॉन फोर ए, ये मिनिमम वैल्यू होती है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, दिस वी हैव हियर सो माइनस सिक्सटी एट अपॉन सिक्स, है ना,
So this is we have 25 upon here we have 4. This is 4. तो इसको फिर आपने क्या किया इसमें देखें. सो वी हैव दिस इज 150 एंड दिस विल बी 218 अपॉन 4. दिस वी हैव 109 माइनस 109 अपॉन 2. ओके तो अब इसमें देखो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है. तो यहाँ से आपके पास में व्हाट इज ए. सो यहाँ पे 6 जो एलसीएम आ रहा था वो दैट इज हियर 6 यहाँ भी रहेगा आपके पास में यहाँ पे 6 दैट इज 12. तो ये माइनस 109 अपॉन 12. तो देखो अब क्वेश्चन में क्या था. तो एफ मिनिमम कितना आपके पास में यहाँ पे देखो एफ मिनिमम भी है ऑब्टेन माइनस. तो फंक्शन एक तो पता होना चाहिए हमें फंक्शन निकाला है तो उसके अकॉर्डिंग दोनों क्वेश्चन के एफ मिनिमम कितना है. एफ मिनिमम बी हैव हियर माइनस 109 अपॉन 12. ओके सो वी हैव टेक दिस इज ए दिस बी वी टेक देयर प्रोडक्ट प्रोडक्ट विल बी हियर 1308. ओके सो फर्स्ट ऑप्शन एंड नाउ व्हाट इज द सम ऑफ द मॉडुलस ऑफ दीज टू. सो मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी दैट विल बी 121. सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आल्सो. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसमें. तो एफ एक्स यू नो व्हाट इज एफ एक्स वी हैव हियर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 17 अपॉन 6. ये फंक्शन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगा. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें आपके पास में क्या है. इसमें देखो इसका अगर अपने इफ यू ड्रा दी ग्राफ ऑफ दिस हेयर वर्टेक्स विल बी एट 5/2. वर्टेक्स इसका 5/2 पे होगा. इट्स वैल्यू वी हैव ऑब्टेन नेगेटिव. तो आपके पास में नेगेटिव ये आपके पास में ग्राफ इस टाइप का रहेगा इसका. सो हेयर एक्स इज इक्वल टू 5/2. सो फ्रॉम 5/2 टू इन्फिनिटी इट इज गोज ऑन इंक्रीजिंग फंक्शन. इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन. सो वी हैव हेयर इन दिस क्वेश्चन वी हैव सो एफ एक्स इज क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन. इफ नाउ वी हैव ड्रॉन हियर ग्राफ सो लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इंटरसेक्टिंग इट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. सो दिस फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन. मेनी वन फंक्शन भी आ रहा है. तो नेक्स्ट वन हेयर इसको और चेक कर लेते हैं. सो देयर इज ए कहता है फिर लास्ट वाले में कहता है देयर इज ए वन रूट इन इंटरवल 3 and 10. तो 10 पे इसकी वैल्यू देखो आपके पास में क्या आ रही है. एफ टेन वी हैर 100 एंड दिस इज हियर वी हैव 50. सो माइनस सो दिस इज ग्रेटर देन 0 एंड व्हाट वी हैव एफ थ्री आर वी हैर 9 माइनस 15. सो वी आर गेटिंग नेगेटिव. सो देयर इज ए वन रूट इन इंटरवल 3 10. तो आपके पास में एक ऑप्शन ये हो गया. सो एरिया इनक्लोज बाई द एफ एक्स बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड 1 विद द एक्स एक्सिस. सो आपको ये चेक करना है कि 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा. तो अपने को सिंपल क्या है x इज इक्वल टू देखो यहाँ पे तो 0 पे वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है. 1 पे भी नेगेटिव आ रही है. तो यहाँ पे इसका ग्राफ इसी टाइप का रहेगा. दिस इज एरिया इनक्लोज बाई द दिस कर्व विद द एक्स एक्सिस. सो सिंपली यू हैव टू अप्लाई द लिमिट फ्रॉम 0 to 1. सो एरिया इज ऑलवेज दिस एरिया विल बी नेगेटिव बट आर एरिया इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव. तो पॉजिटिव लेंगे तो लिमिट आपको कहाँ से कहाँ लगानी है 0 to 1. सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 17. सो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा एक्स क्यूब 3 माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 17 अपॉन 6x ये आएगा. सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो सिंप्लीफाई किया तो देखो लिमिट लगेगी आपके 0 to 1. तो 1/3 5/2 माइनस 17 अपॉन 6. तो इस एरिया को जब अपने निकालेंगे एलसीएम कितना आ रहा है आपके पास में. एलसीएम इज 6 वी हैव हियर 2 एंड माइनस 15 माइनस 17 अपॉन 6. सो दिस वी हैव 32 माइनस 2 सो दैट इज 35. सो दिस इज माइनस 30 अपॉन 6. सो हियर वी हैव एरिया नेगेटिव बट एरिया इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव. सो एरिया इंक्लूड बाई द कर्व एफ एक्स वाई फ्रॉम 0 to x = 0 to 1 ठीक है विद द एक्स एक्सिस 5 square unit. सो वी हैव हियर दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एफ एक्स बी ए नॉन कॉन्स्टेंट ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन डिफाइंड ऑन दिस इंटरवल सो दैट द एफ एक्स इज इक्वल टू एफ 4 माइनस एक्स एंड एफ एक्स हैज
एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट रिपीटेड रूट्स, तो टू डिस्टिंक्ट रिपीटेड रूट्स हैं, क्लियर है, तो आपके पास में देन फाइंड द मिनिमम नंबर। तो रिपीटेड रूट्स है मतलब आपके पास में रूट्स तो चार हैं, ठीक है ना, बट देयर आर रिपीटेड रूट्स है दोनों, तो इसके एफ डैश एक्स के क्या होंगे, देयर विल बी एटलीस्ट वन, एटलीस्ट देयर विल बी, तो आपको पता है चार मतलब दो रिपीटेड रूट्स हैं, रूट्स देयर आर द नंबर ऑफ रूट्स इज फोर, सो इसका एफ डैश एक्स के कितने रूट्स होंगे, देयर विल बी एटलीस्ट थ्री रूट्स। सो देखो नेक्स्ट वन यहाँ पे आपके पास में, देखो इससे आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं यहां से, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ फोर माइनस एक्स, तो यहां पे मैं x इज इक्वल टू क्या रख देता हूँ, टू माइनस एक्स रखता हूँ, तो क्या आएगा आपके पास में एफ टू माइनस एक्स, एफ दिस इज टू प्लस एक्स, सो वट डू वी कंक्लूड, द फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट लाइन x इज इक्वल टू टू, अबाउट लाइन x इज इक्वल टू टू के ये सिमेट्रिकल ऐसा है, ठीक है। अब इस इंटरवल में वो क्वेश्चन में दे रहा है कि दो से चार में क्या है, इसके दो डिस्टिंक्ट रिपीटेड रूट्स है, तो कर्व इसका इस टाइप का हो सकता है, ये इस टाइप का होगा, ठीक है। सो एफ डैश एक्स के, सो एफ डैश एक्स के आपके पास में कितने रूट्स होंगे, देयर विल बी एटलीस्ट थ्री रूट्स, क्लियर है, इन दिस इंटरवल, ये देखो तीन रूट्स हो गए ना एफ डैश एक्स के, ओके। तो अब आपके पास में देखो, यू नो द फंक्शन इज सिमेट्रिकल, सो जो ग्राफ इधर बना है टू से फोर में, वही ग्राफ आपका जीरो से टू में बनेगा, बिकॉज दिस इंटरवल इज टू, तो ग्राफ इसमें भी आपका इस टाइप का रहेगा, ये रहेगा इस टाइप का जीरो से टू में। सो हाउ मेनी देयर इज, देयर आर द एटलीस्ट, तो आपके पास में एफ डैश एक्स के कितने रूट्स हो गए, सो आपके पास में देयर आर द एटलीस्ट सेवन रूट्स फॉर द एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो आपके पास में देखो यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात, छः हो गए ना, ये आपके पास में देखो इधर तीन, ये तीन इधर, तो सात हो गए एफ डैश एक्स के। तो व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स फॉर द एफ डबल डैश एक्स, मिनिमम एफ डबल डैश एक्स के कितने रूट्स होंगे आपके पास में, सो देयर विल बी मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द एफ डबल डैश एक्स विल इक्वल टू जीरो इन दैट इंटरवल टू टू फोर आर सिक्स, तो कितने होंगे, छः रूट्स होंगे आपके पास में, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट में दे, इफ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स माइनस सिक्स इज एम अपॉन एन, तो एम अपॉन एन है, ठीक है। सो ये दोनों कर्व क्या है, दीज आर द टू पैराबोला, सो एक का माउथ क्या अपवर्ड है, एक का डाउनवर्ड है, सो इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो देख लेते हैं अपने, क्या आएगा यहाँ पे, क्या करते हैं वाई इज इक्वल टू क्या रख देते हैं एक्स स्क्वायर रखेंगे, तो क्या आएगा एक्स रेज टू फोर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। अब आपके पास में इसका एक रूट तो एक्स माइनस वन हो गया, एक्स माइनस वन होगा, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स क्यूब, देखो यहाँ पे एक्स क्यूब बने एक्स की पावर फोर, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पे आपको लगाना है प्लस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखो माइनस एक्स क्यूब यहाँ पे एक्स क्यूब नहीं है, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म क्या है प्लस का थ्री है, तो इधर का माइनस का थ्री आ जाएगा, ओके। अब x को x वाले टर्म को आपके पास में आना है, यहाँ पे देखो x वाले टर्म के लिए क्या आएगा आपके पास में यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस का 4x है, सो हियर भी है माइनस 3x यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस का x आ गया, ओके। तो ये देखो आपके पास में माइनस का प्लस का x, सॉरी प्लस का x इक्वल टू जीरो, इसके फिर आपके पास में रूट्स क्या होंगे x माइनस वन होल स्क्वायर, तो इसका देखो फिर आपके पास में क्या x माइनस वन इसका एक रूट आ रहा है ना, तो इसको फिर आपने ऐसे किया x माइनस वन, अब यहाँ से एक्स स्क्र एक्स क्यूब बना, इसका कांस्टेंट कम क्या है आपके माइनस थ्री है, तो इधर प्लस थ्री मिलेगा। अब नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एक्स स्क्र, तो माइनस एक्स स्क्र आ रहा है, तो इधर प्लस का 2x लगा देता हूँ, ओके। सो ये आपके पास में इसके फैक्टराइजेशन आ गया, तो इसके फैक्टर आपके पास में क्या है, दिस इक्वेशन हैविंग द टू मतलब वन रिपीटेड रूट्स, तो हैविंग द टू रियल रूट्स, दो रियल रूट्स आ रहे हैं आपके पास में, तो ये इससे आपके डी लेस देन जीरो हो गया, तो इससे तो मिलेगा नहीं। व्हाट डज इट मीन, अब इसमें देखो एक्स इज इक्वल टू वन के लिए वाई की वैल्यू भी तो आपको वन ही मिलेगी, मतलब वाई की वैल्यू वन मिल रही है, सो दिस
पैराबोला इज टेंजेंट टू दीज टू पैराबोला, दोनों पैराबोला पे ये क्या टेंजेंट है। तो देखो एक्चुअल में डायग्राम किस टाइप का बनेगा, इस टाइप का देखो, ये ग्राफ बनेगा ऐसे, और ये पैराबोला क्या कर रहा है, सो व्हाट इज द वर्टेक्स हियर, 3/4, तो इस टाइप का आएगा ये। ये जो पॉइंट आपका यहां पे आपके पास में, दिस पॉइंट इज हियर वी हैव 1,1, यू रिक्वायर दिस एरिया, दिस एरिया इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस। तो अपने क्या करेंगे, मैं विद दी वाई एक्सेस फाइंड आउट कर लेता हूँ। देखो एक्स एक्सेस के साथ में क्या थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, यहाँ पे आपके पास में इसकी वैल्यू कितनी है, 0, वाई 0 होगा ना, तो दिस इज 3/4,0, सो वी अप्लाई द लिमिट फ्रॉम 0 to 1 विद दी वाई एक्सेस, सो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा आपके पास में, देखो रिक्वायर्ड एरिया विल बी हेयर 0 to 1, ओके। तो आपके पास में देखो यहाँ पे एक्स किसका ज़्यादा है, हेयर वी हैव दिस विल बी वाई स्क्वेयर प्लस 3/4 माइनस माइनस, तो इस कर्व का इक्वेशन क्या आपके पास में, हियर भी है, दिस इज रूट वाई, सो रूट वाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे डी वाई, सो ट्वाइस ऑफ दिस एरिया, ओके। जब इसको आप सिंप्लीफाई करते हो देखो, सो टू वी हैव हियर, तो इधर आपके पास में 1/4 बाहर, तो इसका वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस 3y, तो लिमिट इसकी क्या आएगी 0 से 1, 2 इंटू में है, तो इधर भी इसका क्या आएगा 2 इंटू में, इसका क्या बनेगा 3/2 एंड दिस वी हैव 2/3, लिमिट कहाँ से कहाँ है इसकी भी 0 से 1 है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पे आपके पास में सिंपल आपको 1, तो 1 वाला लगाना, तो क्या आएगा आपके पास में 10/3, सो 10/6 हो गया, ओके। इधर आपके पास में क्या बना, -4/3, ओके। तो व्हाट इज द लिमिट हियर, सो वी हैव 2/6, सो दिस इज 1/3, सो एरिया इनक्लोज्ड बाय द दीज कर्व्स, एरिया बाउंडेड बाय द दीज कर्व्स, वी हैव दी 1/3, सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m प्लस n, सो वैल्यू ऑफ m प्लस n वी हैव हियर 4, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वाटर इज ड्रॉप्ड एट द रेट ऑफ 2 m³/s इनटू एन इनवर्टेड कोन ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल 45 डिग्री, ठीक है, सो द रेट एट विच द पेरिफेरी ऑफ वाटर सरफेसेस चेंजेस व्हेन द हाइट ऑफ वाटर इन द कोन इज 2 मीटर, तो देयर इज ए इन्वर्टेड कोन, देखो इन्वर्टेड कोन है क्या आपके पास में, इसका सेमी वर्टिकल एंगल कितना है, सेमी वर्टिकल दिस एंगल इज 90 डिग्री, हियर वी दिस एंगल इज 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है, सो देयर इज ए वाटर इन द कोन, कोन में वाटर है, हुज हाइट इज कितनी, उसकी हाइट कितनी कह रहा है ये 2 मीटर कह रहा है, ये इसकी हाइट कितनी है 2 मीटर, सो अपने सपोज कर लेते हैं लेट द डेप्थ ऑफ द वाटर एट एनी टाइम टी, तो कितनी लेट कर ली हमने, एच लेट कर ली, ठीक है। अब इसमें क्या है, देयर इज ए वाटर इज बींग पोर्ड इन टू दिस इन्वर्टेड कोन, तो पानी गिराया जा रहा है किस स्पीड से, सो डी वी अपॉन डी टी वी हैव हियर 2 m³/s, ये इसका सेमी वर्टिकल 45 है, अगर मैं इसको एच लेट करता हूं, दिस इज ऑल्सो एच, सो बी सी इज इक्वल टू ओ सी, दोनों एच के इक्वल आएगा, ठीक है। द रेट एट विच द पेरिफेरी, सो यू हैव टू बी किस रेट से इसका जो सरफेस, जो मतलब ही इसका जो सरकमफ्रेंस है, इसका जो सरकमफ्रेंस ऑफ वाटर है वो क्या इंक्रीज हो रहा है ये बताना है, सो इट मीन्स लेट्स अज्यूम दैट द सरकमफ्रेंस वी हैव एस इज इक्वल टू, हियर वी हैव 2πr, यहाँ पे 2πh होगा, 2πh, तो अपने को देखो रेडियस इज इक्वल टू वी हैव हियर हाइट, वाई बिकॉज द हियर हमारे पास में जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो कितना 45 डिग्री है, तो इसका अपने ds अपॉन dt निकालना है, उसके लिए पहले अपने ds अपॉन dt निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर फिल्ड इन द इन्वर्टेड कोन एट एनी टाइम t विच इज हैविंग द डेप्थ h एंड रेडियस इज h, सो दैट विल बी 1/3 πr² r² मीन्स हियर दिस इज s² पाई
एच स्क्वायर एंड इनटू एच, दिस विल बी पाई अपॉन थ्री एच क्यू, सो दिस वी हैव पाई एच स्क्वायर बी, ठीक है ना, अपॉन सॉरी पाई एच क्यू अपॉन थ्री. अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, सो दिस वी हैव पाई एच स्क्वायर इंटू डी एच अपॉन डी टी, डी एच अपॉन डी टी. सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द वाटर, इनिशियली कितनी हाइट आपके पास में, यहाँ पे इसकी हाइट क्या है, दो है, तो यहाँ पे दो पुट करेंगे, सो वी हैव हियर डी वी अपॉन डी टी, कितना आ गया आपके पास में डी वी अपॉन डी टी, सो वी हैव दिस इज वी हैव फोर पाई एंड डी एच अपॉन डी टी, सो यू आर गिवन डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी दैट इज टू. सो व्हाट इज द डी एच अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ द हाइट इज गिवन टू यू वन अपॉन टू पाई मीटर पर सेकेंड, ये आ गया. अब ये अपने इधर रखेंगे तो देखो इसका अपने पास में क्या मिला, डी एस अपॉन डी टी. सो रेट ऑफ इंक्रीजिंग द सर्कमफ्रेंस पेरीफेरी ऑफ द वाटर, तो एट व्हाट रेट द पेरीफेरी ऑफ द वाटर इंक्रीजिंग, सो दैट इज टू पाई डी एच अपॉन डी टी. सो डी एच अपॉन डी टी वी हैव किसके इक्वल है, डी एच अपॉन डी टी वी हैव वन अपॉन टू पाई, सो टू पाई अपॉन टू पाई दिस इज वन, सो मीटर पर सेकेंड. ये तो R कितना हो गया आपके पास में, R इज इक्वल टू वी हैव वन, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव द वन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें देखो आपके पास में फॉर एनी मैट्रिक्स है वी आर गिवन द ए इनवर्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को. देखो अगर इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाले अपने, सो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स दैट इज गिवन बाय द हेयर वी हैव, ये इसके बराबर ही रहेगा. सो ए डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इसके बराबर वन के इक्वल आ गया, तो मैट्रिक्स ए का जो डिटरमिनेंट वैल्यू है दैट वी हैव इक्वल टू व्हाट ए. तो देखो अब अपने बात करते हैं मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट वैल्यू की, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू की बात करेंगे इधर, सो वी हैव दिस इज जीरो टू बी सी एंड ए बी माइनस सी एंड ए माइनस बी सी, सो व्हाट इज द कॉमन हेयर ए बी सी, सो इसका ये वैल्यू आ गई आपके पास जीरो टू वन 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 माइनस वन एंड वन माइनस वन वन. इसको देखो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, सो वन दिस इज जीरो, सो हियर वी हैव वन, ये कितना आएगा टू, तो माइनस का फोर बन रहा है, माइनस का फोर दिस इज माइनस टू माइनस फोर एंड वी हैव हियर दिस इज माइनस टू, सो दिस वी हैव सिक्स ए बी सी माइनस सिक्स ए बी सी, ये आपके पास में इसके डिटरमिनेंट वैल्यू आ गई. ओके तो अब अपने को देखो यहां पर आपको क्या वैल्यू पूछा है इसका, तो 72 ए बी सी, तो 72 ए बी सी यू नो इट्स वैल्यू वी हैव इक्वल टू व्हाट वन, तो माइनस सिक्स ए बी सी वी हैव इक्वल टू वी हैव वन. ओके तो अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां से 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में, तो इसमें आपके पास में मॉडुलस ले लेते हैं, मॉडुलस ऑफ 6 ए बी सी दिस इज इक्वल टू 1, सो व्हाट इफ वी हैव हियर 72 ए बी सी दैट वी हैव इक्वल टू 12, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव 12. ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखो यहाँ पे आपके पास में डेफिनेट इंटीग्रल है हैविंग लिमिट फ्रॉम 0 टू 1 साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन सिक्स रूट एन. तो देखो अब इसको कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, 0 से 1 तो साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन. इसमें देखो फोर्थ प्रॉपर्टी लगा देते हैं, यू नो द डेफिनेट इंटीग्रल हैविंग द लिमिट फ्रॉम 0 टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए लिमिट एफ ए माइनस एक्स, किंग रूल बोलते हैं जिसे ना, ये वाली प्रॉपर्टी. तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे अभी इसमें, देखो दिस विल बी हैव 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स. यहाँ से फिर आपके पास में क्या आ जाएगा, 0 से 1 साइन इनवर्स अंडरूट 1 माइनस एक्स, इसमें आप 1 माइनस एक्स रखोगे तो यू विल गेट सेम रिजल्ट, आपके पास में सेम रिजल्ट आएगा ये.
जब इसको देखो आप ऐड करोगे, एडिंग वन एंड टू, इसको देखो दोनों को ऐड करेंगे तो वी हैव साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडरूट वन माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन. ओके, यू नो दिस साइन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स इक्वल टू व्हाट, कोस इनवर्स रूट एक्स. तो ये किस फॉर्म में आ रहा है आपके पास में, जीरो से वन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कोस इनवर्स रूट एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन. सो दिस वी हैव इक्वल टू पाई बाई टू, पाई बाई टू के इक्वल आ गया. इसको टू आई, वी हैव टू आई, दिस इज पाई बाई टू, जीरो से वन डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन. इसको देखो आप क्या करोगे, आई इज इक्वल टू पाई बाई फोर, जीरो से वन. ये तो डेफिनेट इंटीग्रल बन गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं ना. सो दिस विल बी हेयर एक्स माइनस वन बाई टू होल स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाई टू होल स्क्वायर, इस फॉर्म में आ रहा है. तो टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे. देखो इसको कैसे करेंगे, सो दिस विल बी आई इज इक्वल टू पाई बाई फोर. सो हियर वी हैव वन अपॉन रूट थ्री अपॉन टू टेन इनवर्स, सो एक्स माइनस वन अपॉन टू अपॉन रूट थ्री बाई टू. ये आ गया, लिमिट क्या है इसकी, जीरो से वन, ये लिमिट हो गई. अब इसमें देखो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज टू, सो पाई बाई टू रूट थ्री, इसमें लिमिट लगाएंगे तो आपके पास में क्या आ रहा है यहाँ पे. सो टेन इनवर्स, टेन इनवर्स वी हैव वन अपॉन रूट थ्री, सो वन अपॉन रूट थ्री, अगेन जीरो लगाओगे तो आपके पास में क्या आ रहा है हमारे पास में, माइनस का तो प्लस का फिर वही हो जाएगा, टेन इनवर्स वन अपॉन रूट थ्री. तो ये आपके पास में कितना बन गया, पाई बाई थ्री हो गया. सो दिस वी हैव पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स तो पाई बाई थ्री, सो आई इज इक्वल टू वी हैव पाई अपॉन सिक्स रूट थ्री. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे देखो आपके पास में पाई स्क्वेयर हो जाएगा, पाई स्क्वेयर. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, एन इज इक्वल टू वी हैव थ्री. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव थ्री. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखो यहाँ पे ये बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है इधर, तो आपके पास में 100 सी 0, 100 सी 50, 3 रेश 50, 100 सी 1, 99 सी 50, 3 रेश 49 इंटू 2, 100 सी 2, 98 सी 50, तो 3 रेश 48 इन 2 स्क्वायर. ऐसा ये क्वेश्चन है, इक्वल टू व्हाट एन सी आर. इसमें देखो आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, इसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट्स में ये एक्सपेंशन है. तो एक्चुअल में देखो इसको लिखा कैसे जाता है, मैं इसको देखो किस तरीके से लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से देखें. तो यहाँ पर क्या है, ये देखो 3 रेश 50 है, यहाँ पे 3 रेश 49 है. तो इसमें यहाँ पर देखो कुछ कांस्टेंट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देखो आपके पास में यहाँ पे 50 आ रहा सब में. तो किसी वेरिएबल की पावर यहाँ पे 50 होगा कहीं ना कहीं. तो यहाँ पर सब में देखो इधर ये सेकेंड वालों की बात कर रहा हूँ मैं, ये वालों. तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, कोफिशियंट ऑफ दिस इज व्हाट, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है देखो अपने लिखते हैं, कोफिशियंट ऑफ एक्स रेस्ट ऑफ 50 इन किसमें है, देखो 100 सी 0. सो यहां पे मैं लिखता हूं 3 प्लस एक्स होल पावर, यहां पे आपके पास में यहां, तो इसमें से 100 में से ये ठीक है, इसमें से आपने क्या है एक्स रेश 50 का कोएफिशिएंट लिखा, तो क्या आएगा 100 सी 50 एक्स रेश 3 रेश 50 फिर प्लस क्या आएगा 100 सी, यहाँ तो ये वाला तो वैसे का वैसे ही रहेगा 100 सी 1. सो वी हैव हियर 99 सी. तो इसको देखो मैं उसी फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसको देखो यहाँ पे एक कम हो गया ना इसका इन दोनों का, तो 3 प्लस एक्स हियर 99 एंड माइनस 2 रेश 1. इसको ध्यान से देखें, इसमें से मैं अगर x की पावर 50 का कोफिशियंट लिखूंगा तो क्या आएगा आपके पास में, सो यहाँ पे 99 सी 50 एंड 3 रेश पर कितना आएगा आपके पास में 49.
ओके माइनस टू रेज पावर कितना आ जाएगा फिर आपके पास में, वो वन है ही, उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे एक्स की पावर 50 का कोफिशियंट क्या आएगा आपके पास में, 3 रेज पावर 49 एंड एक्स रेज पावर 50, यही तो बनेगा। तो नेक्स्ट वन देखो आपके पास में क्या आएगा, 100C2, ठीक है 100C2, सो दिस इज 3 + x² 98 एंड -2² एंड 100C3 एंड 3 + x 97 -2 रेज पावर कितना 3, ऐसे चल रहा है। तो लास्ट में देखो आपके पास में ये वाला जो टर्म आएगा इधर क्या आएगा, 100C50, सो दिस वी हैव 3 + x² 50 एंड -2 रेज पावर 50। इससे अगर आगे वाला टर्म लिखेंगे तो इन नेक्स्ट टर्म्स में आपको क्या नहीं मिलेगा, x की बार 50 का कोफिशियंट नहीं मिलेगा, तो उसमें x की बार 50 का कोफिशियंट क्या मिलेगा, 0। अगर हम उससे लिख देते हैं तो एक्सपेंशन बनाने के लिए देखो मैं ऐसे लिख देता हूं, आगे आपके पास में क्या आ रहा है इधर 100C49, हियर वी हैव 3 + x² व्हाट वी हैव, तो 49। यहां से आपको x की पावर 50 का कोफिशियंट नहीं मिलेगा, 0 लिखेंगे तो यहां पे -2 रेज पावर कितना आएगा, 50 बनाएगा। तो इन दिस वे वी कंटिन्यू, ये कंटिन्यू करेंगे तो यहां पे आपके पास में लास्ट में क्या मिलेगा, 100C100 एंड -2 रेज पावर हेयर 100। एक्चुअल में ये देखा जाए तो आपके पास में ये एक्सपेंशन किसका है, अब बाइनोमियल एक्सपेंशन में देखो कोफिशियंट ऑफ एक्स रेज पावर 50 इन ये किस एक्सपेंशन में बन गया आपके पास में, देखो x + 3 - 2 होल रेज पावर 100, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है 100C0 3 + x, तो फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है आपके पास में, x की जगह x प्लस 3 और सेकंड टर्म -2 है। तो एक्चुअल में आपको क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स रेज पावर 50 इन 1 + x होल रेज पावर 100 ये है, इसमें कोफिशियंट पूछा हुआ है। सो दिस इज नथिंग, दिस इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स रेज पावर 50 इन दिस एक्सपेंशन, सो दिस इज गिवन बाय व्हाट, 100C50। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, एन वी हैव 100 एंड व्हाट इज द आर, आर इज 50, सो वी हैव 100 + 50/50, सो दिस वी हैव 3, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव 3। ओके, तो ये बेटा आपके मेजर पेपर नंबर 3 का सॉल्यूशन था। ओके, थैंक यू।